अच्छा हाँ कुछ भी कोई नहीं यार, इतना ज्यादा स्वर कहाँ
गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस का जो है तीसरा दिन है। हम लोग जो है कि समूह के साथ जो समन्वय संपत्ति है उनका जो मतलब संपर्क है उसको हम लोग पिछले 2 दिनों से उसके ही हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा नाम आर्या दे है। आज मैं आप लोगों के साथ ये सेशन मतलब सेशन मॉडरेट करने वाली हूँ। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, पर उससे पहले हम मतलब जो है कि आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे इस कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस का जो स्पीकर्स है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जिनकी कहानियां हम लोग आज सुनेंगे। अच्छा हम लोग पिछले 2 दिनों से जो कर रहे हैं वो है कि समूह के साथ उनके जो जल है, जंगल है, जमीन है, जो चारागाह भूमि है, ये सब जो उन लोगों के जो समन्वय संपत्ति है समूह के साथ उनका जो संपर्क है, हम लोग पिछले 2 दिनों से इनकी कहानियां सुनते आ रहे हैं। आज कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन में हम लोग थोड़ा कुछ अलग करने वाले हैं। हम लोग जो है खाद्य सामग्री जो है जो खाद्य सम जो भोज्य सामग्री है उनके साथ हम लोग आज देखने वाले हैं कि कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं। साधारण तरीके से हम लोग ये जो खाद्य सामग्री जो है वो मतलब चारागाह भूमि जो है जो खेतों से लिया जाता है, पर इसको छोड़ के भी जो मतलब खाद्य हम लोग सोचते हैं कि घर में रसोई में उसको उसकी तैयारी किया जाता है, पर आज इन सब के आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हमारे जो मतलब जो डेली लाइफ्स में जो मतलब खाने का जो सामान लाते हैं उसके साथ हम लोग का जो समूह है वो कैसे जुड़ा हुआ रहता है। क्या है, हम लोग अगले जो सेशन है उसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब जो सॉरी मुझे थोड़ा हिंदी में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, जो 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 उद्यमी जो जो उद्यमी जो सारे ग्रुप्स है उन लोगों के थ्रू कैसे हम लोग जो मूल्य संवर्धन करते हैं खाद्य सामग्री का, फेडरेशंस के थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू हम लोग कैसे कम्युनिटी कैसे एक साथ जुटते हैं। उसके बाद हम लोग और भी कहानियां सुनेंगे कैसे बंजर भूमियों को वो लोग जो अतिक्रम जो बंजर भूमि जो पहले अतिक्रमण किया गया था कर लिया था आक्रमक उपजातियों ने, तो ये सब बंजर भूमि को कैसे समूह ने कैसे एक कैसे उसको रिक्लेम किया है, और जो विमेन है उनके साथ तो कनेक्शन हम लोग देखेंगे ही, हम लोग उनके साथ ही जोड़ते हैं खाद्य सामग्री को, पर उसको छोड़ के भी हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि कैसे मतलब एक ज्ञान उसके बाद हमारा जो है ज्ञान संस्कृति और जो रोजगार है ये खाद्य के साथ कैसे खाद्य सामग्री के साथ खाद्य संसाधनों के साथ कैसे जुड़ा हुआ रहता है। तो अभी हम लोग स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अच्छा, हमारे जो पहले स्पीकर है वो है मंजूबेन मनसुख भाई मोड़ी मोड़ी जी, वो हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंजूबेन मनसुख भाई मोड़ी गुजरात के रेशमिया से। फिर अगली कहानी हमारे सामने पेश करने आने वाले हैं अरिका राधम्मा कोंदाराबादी आंध्र प्रदेश से। फिर आने वाले हैं दामो रमो भाई अकमन भाई रेवा गुजरात से। फिर दासंदी पुसम आने वाले हैं बतवार मध्य प्रदेश से कहानी शेयर करने। और फाइनली हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं उनकी कहानी बताने वो है कल्पना कोचले गोलखेड़ा मध्य प्रदेश से। अच्छा, अभी जो है हम लोग शेयर करेंगे कि पिछले 2 दिनों का जो हम लोग का अनुभव रहा है
जो हमने सीखा है, जो हमने सुना है, उसको एक वीडियो की तरह आप सबके सामने हम लोग पेश करेंगे, ताकि आप भी देख पाए, अगर आप जुड़े नहीं होंगे, कि पिछले 2 दिनों में हमने क्या सीखा, कम्युनिटी से मेंबर्स आके क्या कहानी हम लोगों को उन्होंने बताया। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर लाइक यूजिंग हिंदी इन द फर्स्ट बिट। आई विल बी नाउ लाइक ऑल्सो हैविंग सेम इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। सो टुडे इज द थर्ड डे ऑफ द कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द कनेक्शन बिटवीन कॉमन्स एंड कम्युनिटी फॉर द पास्ट 2 डेज। टुडे वी विल बी लाइक हैविंग अ डीपली अनदर ऑफ वन ऑफ दोज डीपली इंसाइटफुल सेशंस। So in the last 2 days, we had discussions which were focused on the relation that the community members share with the forests, with the rivers, lakes, ponds, and the pasture lands. Today, however, we are having a different kind of discussion which looks at food as a kind of a community Clear resource. audio from your computer. My audible is there some issue? So, kind of like, So, usually today we are looking at having a different kind of discussion, which is looking at food as a community resource. Usually, food is procured from pasture lands as well as agricultural fields and is a part of the resource which is produced and understood only when we as human beings interact with nature. Food and kitchen, however, have been traditionally understood to be deeply domestic, connected with the women, that is. The following session would, however, look at food through the lens of value addition and entrepreneurial ventures that have been grounded of that have been grounds of collective community developments through federations and SHGs. These stories also narrate the reclamation of the barren land as well as the lands that have been encroached by invasive species into protection of nutrition security and cultural heritage. Deeply connected to women, the stories are largely tales of valor of community that have acted collectively to establish a robust network of knowledge, culture, and employment. We will begin the stories firstly with Manjuben Mansukhbhai Moriji, who has. Apologies for the glitch. Actually, we will be starting the story session with the story from Arika Radhamma, who has joined us from Kondarbaridi, Andhra Pradesh, and will be narrating to us a tale of entrepreneurial development of 14 tribal women from the Ekalavya group. The story will tell, it is a story, I think, as understood from the abstracts, of the ZBNF paddy, which is has been transformed into like a high demand organic rice. But it is also a story beyond that, a story of how women have transformed their lives for the better. अब मैं इसको जो कहानियां हैं कहानी मतलब ये जो बात मैंने कहा है अभी इसको मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ।
तो हमारी जो पहली कहानी है वो कोंदराबाड़ी आंध्र प्रदेश से आरिका रधम्मा जी जो है उनके उनकी हम लोग उनकी जुबानी सुनेंगे। ये कहानी है, अच्छा आई थिंक कि हमें थोड़ा 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दी डिले। अच्छा माफ कीजिएगा, हमारे साथ जो प्रेजेंटर्स जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, वो सब मतलब काफी दूर से हम लोगों के साथ इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, और हम लोग ऐसे ही उनका जो डेली टाइम है उनसे टाइम मांग रहे हैं, तो थोड़ा हम लोगों को ग्लिच हो रहा है, इधर उधर थोड़ा हो रहा है। तो हम लोग जो करेंगे कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो होगा वो बतवार मध्य प्रदेश से दासुंदी पुसम जी के तरफ से आएगा। वो हमें कहानी बताने वाले हैं कि जो मतलब उनके जो आक्रामक उपजाति उनके गांव के जो जमीन है उन जमीनों को कैसे अतिक्रमण किया किया कि उसने उसके गांव की जो जमीन है उसको कैसे अतिक्रमित आक्रामक उपजातियों से उस गांव की जमीन जो है उसको कैसे अतिक्रमित किया गया था। तो उसके बाद मतलब अभी हम लोग उनकी कहानी सुनने वाले हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ थोड़ा। दासुंदी पुसम फ्रॉम बतवार मध्य प्रदेश विल नाउ बी टेलिंग अस एंड शेयरिंग विद अस स्टोरी ऑफ हाउ हर कम्युनिटी रिक्लेम द लाइवलीहुड फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ एग्रेसिव इन्वेसिव स्पीशीज। ये सिर्फ जमीन को वापस लेने लेने की कहानी नहीं है, ये जीविका जो है उनके आजीविका उसको भी रिक्लेम करने की कहानी है। ओवर टू यू दासुंदी पुसम जी, और उनके साथ राम कुमार यादव जी जो है वो ट्रांसलेट करेंगे, वो फैसिलिटेट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें क्या? ठीक है। नमस्ते मैडम, मैं दसौंधी पुसाम, ग्राम बटवार, ग्राम पंचायत बटवार, तहसील बिछिया, जिला मंडला से बात कर रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। स्लाइड सिख।
हमारे ग्राम बटवार में एको दो कुटकी की फसल पहले से सभी लोग बोते थे और हमारा मुख्य भोजन वही था। एक टाइम चावल और एक टाइम कोदो कुटकी की खाना खाते थे, लेकिन उनकी परेशानी के कारण बोना छोड़ दिए, वहां वन तुलसा हो गया और ललताना हो गया। जब एफएस संस्था के द्वारा वो वन तुलसा और ललताना हटाई गई, तब दो चार किसान फिर से कोदो कुटकी मतलब बोना चालू कर दिए, और ऐसे हर साल बोते बोते अब अधिकतर 35-30 लोग कोदो कुटकी की खेती करने लगे, और कोदो कुटकी बीमारी के समय में खाते हैं हम लोग, चावल में शीत होता है कह के फिर से कोदो कुटकी खाने लगे और कमाने लगे। और इसी तरह हमारे ग्राम बटवार में रोड नहीं थी, खीसी चौराहा से बटवार तक के रोड नहीं थी, तो ये महिला सभा की बैठकों में हमने चर्चा करके और पूरे ग्राम की महिलाओं को किए और धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद फिर हमारे ग्राम बटवार में खीसी चौराहा से बटवार तक की रोड बनी, और सोसाइटी हमारी ककैया में थी, यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर। हम महिलाओं के संगठन बना के और सोसाइटी भी हमारे गांव में ले आए। अस्पताल नहीं थी तो ये ग्राम सभा की बैठकों में संगठन बना के और अस्पताल भी बनवा लिए। उसके साथ साथ मतलब एफएस का हमारे साथ पूरा सहयोग रहा, और नहीं तो हम ग्रामवासी तो पहले से खूब कोशिश किए लेकिन नहीं हो रहा था, रोड भी नहीं हो रहा था, अस्पताल भी नहीं हो रहा था, और ये सोसाइटी भी नहीं हो रही थी। और अभी मतलब बीमारी के समय में हम कोदो कुटकी की ही खाना खाते हैं। लगभग 20-25 साल हम कोदो कुटकी बोना छोड़ दिए थे, और संस्था जो द्वारा जब वन तुलसा और ललतान हटाई गई तो फिर से बोना चालू कर दिए हैं, लेकिन जानवरों की परेशानी के कारण ही छोड़ देते लोग। वहां सामूहिक खेती होती है तभी हो पाती है, और नहीं तो एक दो लोग खेती नहीं कर सकते। अभी तो बेटी हो गया तो तब या और से मतलब एफएस संस्था हमारे ग्राम बंटवार में आई, और ग्राम पर्यावरण समिति की में मतलब ग्राम मित्र बनी 2017 में, और ये 2022 में छोड़ी हूँ, लेकिन महिला सभा की बैठक टोला सभा की बैठक होती है, और उन बैठकों में हम ग्राम के सभी महिला पुरुष शामिल होते हैं और चर्चा करते हैं कि हमारे जल जंगल और जमीन को बचाना है, नहीं तो हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। इसलिए हम महिला सभा की बैठक में चर्चा करते हैं, और शिक्षा शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा अभी हमारे ग्राम बंटवार के शिक्षा में है। मतलब यहाँ दो शिक्षा गारंटी स्कूल थे, वो स्कूल तो बंद, एक तो बंद हो गया, एक बंद होने वाला है। वहाँ चार पांच बच्चे रहते हैं, एक शासकीय स्कूल है प्राइमरी, वहीं सभी जाते हैं, और जिनके पास पैसे हैं मैडम वो तो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। शिक्षा का स्तर तो यहाँ बहुत गिरा हुआ है, और जैसे अस्पताल भी बनाए हैं
तो हमारे मतलब एनएम मैडम सप्ताह में 1-2 दिन आती है, रोज नहीं रहती, और गांव में किसको कब बीमारी हो जाती है कौन जानेगा। अब वहां मैडम नहीं रहती तब अंजनिया भगते हैं इलाज करवाने को। ऐसा हमारा मतलब गांव का रहन सहन है। और हमारे ग्राम बटवार में जंगली जानवरों से बहुत मतलब लोग परेशान हैं। धान गेहूं और कोदो कुटकी उड़ाद राहल की फसल बोते हैं लेकिन जंगली जानवरों से परेशान हैं। लेकिन हम सोचते हैं अगर संस्था की तरफ से हमारे ग्राम के आसपास फेंसिंग हो जाती तो जंगली जानवर हमारे ग्राम बटवार की फसलों को नष्ट नहीं करते तो हम भी खुश रहते। फसल बोते हैं वहां रात भर रखवाली करने जाते हैं। मैं तो राड बोला बोआ मैडम वहां रात में रखवाली करने जाती हूँ अकेली। नहीं रखाऊंगी तो फिर दाल कहाँ से खाऊंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ संस्था के द्वारा फेंसिंग हो जाती है आसपास तो जानवर नहीं आते और हम सुरक्षित रहते, हमारा फसल सुरक्षित रहता। और संस्था के द्वारा मतलब हमें काफी जानकारी दी गई है कि जैविक खाद का उपयोग करें, रासायनिक खाद का उपयोग कम करें, इसमें बीमारी होती है तो इसलिए लोग जागरूक भी हो गए हैं। रासायनिक खाद का उपयोग कम करते हैं। जो हम गाय बैल रखते हैं घर में गोबर गौमूत्र होता है उसी की कीटनाशक दवा बनाते हैं और फसलों में छिड़काव करते हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य में कमी है लेकिन हम तो बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं मैडम। और हम यही आशा करते हैं कि संस्था द्वारा हमें शिक्षा और स्वास्थ्य का और थोड़ा सा लाभ मिल जाए। तो हमारे मेरे बच्चे तो जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मेरे नाती पोते हैं वो मतलब गांव में पढ़े घर में रहे परिवार के बीच में रह के परिवार की संस्कृति में बढ़े। शहरों में जाके पैसे ज्यादा लगते हैं पढ़ाई के लिए और हमारे पास पैसे कम होते हैं। इसलिए मैं सहयोग चाहती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्था के द्वारा कुछ सहयोग मिले। और जैसे प्रधानमंत्री द्वारा नल जल योजना का जो काम हुआ है हमारे ग्राम बटवार में तो 1.5-2 महीने हो गए पाइप लगा के चले गए हैं और अभी नल जल योजना से मतलब नल जल योजना के तहत पानी नहीं आ रहा है, पाइप बस गड़ा दिया गया है रोड रोड में। नल कब लगेगा, हम पानी कब पिएंगे। और जैसे हमें प्रधानमंत्री के तरफ से किसानों को 2,000 रुपए मिलते हैं और ये लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए मिलते हैं तो उसके लिए तो हमें बटवार से अंजनिया की किराया 80 रुपए लगती है 1 दिन की मतलब आने जाने की। और हमारा दिन भर का टाइम भी गया घर में कुछ काम धाम करते तो हम 3-4 बार जाते हैं तब हमें वो 1,000 रुपए मिलते हैं। तो 80-80 रुपए 4 बार में कितना हो गए किराया देने में। मजदूरी लाइन लगो वहां फिर को काम कर वहां बड़े बड़े लोगों की पहली लाइन लगती है और हम गरीब लोग तो पीछे बैठे रहते हैं। बैंक वाले हमें तो ऐसे ही धमका देते हैं अगर पैसे लेना है तो चुपचाप बैठो, आज नहीं मिलेंगे पैसे कल आना परसों आना 1 सप्ताह के बाद आना, ऐसे कह देते हैं। और
जब वहां हम फिंगर लगाते हैं हमारे खाता में कितना पैसे हैं, तो हमको बताया भी नहीं जाता कि तुम्हारे खाते में कितना पैसे, फिंगर लगाओ, हमने फिंगर और फिर कितना पैसे आए हैं, तो आएंगे तब मैं दूंगा, ऐसा कहते हैं बैंक वाले, और हमें जितना देते हैं उसी को रख के आ जाते हैं। हम थोड़ी बहुत जानते हैं लेकिन हमको रजिस्टर दिखाया नहीं जाता कि तुम्हारे कितना पैसे आए हैं, कितना निकले हैं, वो रजिस्टर नहीं दिखाते, ये परेशानी है हमें। और जब से ग्राम पर्यावरण समिति बनी है मैडम, तब से मतलब हमारे ग्राम की महिलाएं जागरूक हो गई हैं, और जैसे तेंदू पत्ता तोड़ते हैं हम, उनका कार्ड पहले पुरुषों के नाम से बनता था, लेकिन जब से महिला सभा की बैठक हो रही है और हम बैठकों में सभी महिलाओं के बीच में चर्चा किए कि पुरुषों के नाम में कार्ड नहीं बनना चाहिए, घर का खर्च तो महिलाएं चलाती हैं, पुरुष मतलब पैसे निकाल के लाए, कुछ दबा के रख लेते हैं, और महिलाएं तो घर का खर्चा करती हैं, इसलिए पूरा करती हैं, इसलिए महिलाओं के नाम में कार्ड बने तो महिलाएं पैसे निकाल के लाएंगी और घर का खर्च चलाने में पैसों का उपयोग करेंगी, कह के चर्चा किए, और ये महिला सभा की बैठक में चर्चा किए हैं, तब से महिलाओं के नाम में तेंदुपत्ता कार्ड बनते हैं और महिलाएं ही पैसे निकाल के लाती हैं। ये सुधार हुआ है ग्राम पर्यावरण समिति की बैठक शुरू होने के बाद। इतना ही बात करना चाहूंगी मैडम, नमस्ते। हाँ, आपकी बात सुन के बहुत कुछ पता चला। मैं तो रहती नहीं हूँ, मैं हूँ कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, और रहती हूँ मैं भुवनेश्वर में। तो आपकी जो गांव की स्थिति है उसके बारे में बहुत कुछ पता चला, आपने जो कहानी हमें बताई उसके थ्रू। तो आज ना हमारे साथ आंध्र प्रदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके जो समझने की सुविधा के लिए हम चाहेंगे कि सर, अगर आप इसको थोड़ा इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर दे तो थोड़ा उनको भी समझ में आ जाए, तो आपकी जो कहानी है वो भी समझ पाएंगे। इंग्लिश से तो नहीं हो पाएगा मेरे से, अगर थोड़ा हिंदी में कुछ जोड़ना चाहूंगा तो कह पाऊंगा। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आप हिंदी में ही बताइए और क्या जोड़ना है सर। हाँ जी, तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ग्राम बंटवार की, जो मतलब ग्राम यहाँ पर हम जहाँ बंटवार जो जिस गांव को कह रहे हैं वो कोर से लगा हुआ गांव है, यहाँ कान्हा नेशनल पार्क से जस्ट लगा हुआ बाउंड्री में, बाउंड्री के किनारे वाला गांव है। जिस तरह से दीदी काफी समस्याओं से जूझ रही हुई, समस्या बताई कि यहाँ जंगली जानवर है, यहाँ रोड नहीं है, नहीं था, लेकिन हम किस तरह से ग्राम पर्यावरण समिति आई, हम एक इकट्ठा होकर के और गांव के लोग मिल करके संगठन बना करके, फेडरेशन बना करके, सब महिलाएं दीदी भैया मिल करके हम जिस तरह से मांग किए और उसको मतलब कार्य में लेके आए कि यहाँ पर रोड बन पाया, लोगों का संगठन बन पाया। और जिस तरह से दीदी कह रही हैं कि 20 साल पहले कोदो कुटकी होती थी, लेकिन जंगली जानवर अटैक करने के चलते धीरे धीरे कुछ साल मतलब 20 साल से छोड़ दिए। अब जैसे उनका खुद का जमीन था, लेकिन बहुत साल से अगर छूट जाने से फिर उसमें इनविशेस स्पीसीज बढ़ते गया, जिसमें बनतुलसा हो गया, लेंटाना बढ़ गया, तो लोगों का और हिम्मत ही नहीं हुआ कि उसको हटा करके हम उसमें अन्य दूसरा फसल ले सकें। लेकिन जिस तरह से उनने प्लान बनाया, ग्राम पर्यावरण समिति में चर्चा की, महिला सभाओं में बात हुआ, तो वो धीरे धीरे उसको प्लान में ले करके और समिति की मदद से पूरा गांव मतलब मिल करके पूरा हर हर परिवार के बर्रा हैं जिसमें मतलब पड़ा हुआ था, उसको सफाई कर करके वहां पर कोदो कुटकी का उन्होंने स्टार्ट करने का सोचा। लेकिन शुरुआत में फिर दिक्कत हो रहा था कि जैसे कोदो कुटकी लिए तो जंगली जानवर तत्काल मतलब अटैक कर रहे थे, जिससे खेती नहीं कर पा रहे थे। पर गांव के लोग एक साथ हुए कि पूरा क्षेत्र जिसमें लगभग 50-60 हेक्टेयर जमीन है, उन जमीन में एक साथ मिलकर के हम अगर कोदो कुटकी का फसल लेते हैं, तो
तो एक साथ रखवाली होगा, एक दूसरे का मदद होगा, तो रात में जागरण करके कोदो कुटकी का फसल ले पाए, जिससे कि कोदो कुटकी तो हुआ लेकिन उसको अपने खान पान में लाने में, मतलब आज के युवा पीढ़ी उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह से महिलाएं आगे आई, महिला सभा हुई, चर्चा हुआ, आगे बढ़ा कि भाई कोदो कुटकी कितना पौष्टिक है, जो मतलब बिना खाद का है, उसको सेवन करने से किस तरह से हम अपना स्वास्थ्य को सुधार कर सकते हैं, तो उसको खान पान में भी अभी लेके आने आने लगे। शुरुआत में तो लगभग 3-4 किसान ही खेती किए थे, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ था, उनका फसल बहुत कम बच पाया था। इसके बाद दूसरा साल करीब करीब 10 किसान आगे आए। इसके बाद आज के डेट में काफी, मतलब हर परिवार से किसान आगे आ करके अपना जो खेती है उसको करने लगे, जिससे कि इनवेसिव स्पीसीज भी मतलब खत्म हो गया और खेती होने लगी उस जगह पे। तो ये मतलब बहुत ही समस्या वाला स्थान है, गांव है, जो मतलब जहाँ रोड का भी कनेक्टिविटी नहीं, शिक्षा का भी नहीं, स्वास्थ्य का भी नहीं, जो अगर इतनी बड़ी समस्याओं को जूझते हुए महिलाएं आगे आई, बहुत सारी मतलब रोड नहीं होने से, बारिश में नाले में पानी भर जाने से बहुत लोगों का डेथ भी हुआ, डिलीवरी पीरियड में भी महिलाओं को काफी डेथ हुए, बच्चों का डेथ हुआ। तो इस तरह से समस्या से जूझते हुए फिर आगे उनको बात रखे, जिससे कि कम्युनिटी महिलाएं ही उसको आगे बढ़ाए, जो मतलब कह पाए, और वो रोड को जब तक नहीं बन पाए तब तक उन्होंने अपना एकता को इकट्ठा बना के रखे। तो ये काफी मतलब स्थान है, जो मतलब ऐसा है जिसको लोगों ने अपने जूझते हुए अपना काम को कर पाए, यहाँ खेती भी कर पा रहे हैं। अगर वहाँ कोदो कुटकी हो रहा है तो उनका जो झीला जमीन है उसमें वो धान भी ले पा रहे हैं, और उनका बटरा मसूर भी हो पा रहा है, अन्यथा जंगली जानवर तो सीधे इनके धान के जमीन में अटैक करते करते थे, लेकिन आज जो है हम उनका धान भी सुरक्षित हो पाया। दूसरा बात यह है कि यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग हैं, जो मतलब इतनी परेशानी होते हुए उनका जो आजीविका है सारा जंगल से जुड़ी हुई है, जो पत्तल बनाना है या झाड़ू का उनका धंधा है, और उनका NTFP जिस तरह से है, तो अभी अगर आप देखना चाहेंगे तो एक पत्तल जैसे दीदी जिस तरह से बनाती है उसको, एक एक पत्तल भी आपको बना के दसवंदी दीदी दिखाएंगी, जो मतलब जिसमें सामुदायिक लोग कार्यक्रमों में पत्तल से खाना करते हैं, और जिससे कि मतलब ये सोच है कि पर्यावरण का भी उन बचाव हो। थोड़ा दिखाएंगे दीदी, थोड़ा पास में लाके, तो जिससे कि मतलब वो जो वो लोग प्लास्टिक वाले जो पत्तल हैं उसका इस्तेमाल समाज में भी नहीं करते, तो इस तरह से पत्तल दीदी बनाती भी हैं, पूरा गांव भी बनाता है, और आसपास के गांव में मार्केट में भी इसका बिक्री होता है, और समाज में इस तरह से एक नियम भी बना हुआ है कि समाज में हम जो प्लास्टिक के जो पत्तल हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं उसको, जैसे पत्तल के साथ जूठन होता है तो गाय मवेशी भी उसको खा लेते हैं, जिसके गाय मवेशियों को भी तकलीफ हो जाती है, जिसके चलते समाज में इसका नियम है कि पत्तल से ही समाज में भोजन होगा। तो ये बहुत बड़ा मतलब धीरे धीरे बदलाव देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो दसवनी दी एक पत्तल दिखाएंगी आपको, और उसको ये बना बना रही भी है रही हैं डॉक्टर वो ने। आज, ये है। परिवार में गमी हो गई है मैडम, उसके कार्यक्रम के लिए पत्तल बना रहे हैं खाना खिलाने के लिए। ऐसा बनाते हैं जोड़ जोड़ के, कहीं दिखा दे और पत्तल की टिक्की अच्छी है। ऐसा बनाते हैं पत्तल। में पेज भी पीते हैं, भाजी भी खाते हैं हमारे देहात के लोग। बोलेंगे अनिता जी, आप कुछ बोले बोलेंगे अब, बोले के टाइम में तभी तो बोले ना, सीख थोड़ा रहे बोल लो। गांव देहात के लोग। बोले हैं, बताएं, आप आइए। निकलते थे अभी महिला सभा, तो घर में
हमारे साथ में अनीता दीदी भी हैं, तो कुछ जोड़ेंगे बताएंगे थोड़ा। हम पत्तल बन नमस्कार, गए अपना मैडम। परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मैं अनीता मराई ग्राम बटवार की रहने वाली हूँ। समिति में सदस्य के रूप में काम भी करती हूँ। पहले हम महिला लोग हमारे घर से नहीं निकलते थे। अब जब से महिला सभा करते हैं तब से हम घर से निकल जाते हैं, बैठकों में जाते हैं, कहीं कुछ कार्यक्रम भी निकल जाते हैं घर से। नहीं तो हम पहले डरते थे कि हम बाहर जाएंगे तो क्या बात करेंगे, ऐसे करके ज्यादा हम निकल नहीं पाते थे। जब से महिला सभा की बैठक करने लगे तो अब एक दूसरे को सब जान पहचान होने लगी। टोला, ये टोला की ये दीदी है, ये टोला के ये दीदी है, अब सब परिचय भी। अब ग्राम सभा में भी महिला बहुत बढ़ भी रहे हैं। समस्या बताते हाँ, अपने अपने हैं समस्या भी बता रहे हैं। ग्राम सभा में मांग करते हैं कुछ उनसे ग्राम सभा में मांग भी करते हैं। जंगल से भी हम बहुत जुड़ाव हैं, जैसे पत्तल धोना, झाड़ू और हर्रा, बहरा, आंवला, जड़ी बूटी, सब महुआ, तेंदू पत्ता, सभी लाके और जीवन यापन करते हैं। जंगलों को बचा के रखना चाहते हैं। और जुड़िए। हो गया। ठीक है दीदी, थैंक यू आप हमारे साथ कहानी बताने के लिए। आप दोनों को ही थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू। तो अभी ना मैं कहानी को थोड़ा, ताकि जो आंध्र प्रदेश से जो आए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ, उनके भी समझने की सुविधा के लिए मैं कहानी को थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। जी व्हाट हैपेंड इज दैट, दासुंदी पुसम जी, हु इज फ्रॉम बटवार मध्य प्रदेश, हैज बीन सर्विंग एज अ ग्राम मित्र विद द विलेज ग्राम पंचायत सिंस 2017 अंटिल 2022 ही हैज सर्वड एज इन दैट रोल। बात एंड शी जस्ट नैरेटेड इन द स्टोरी, इन हर स्टोरी, हाउ लाइक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर एंगेजमेंट एंड इवन बियॉन्ड दैट, द महिला सभा इन द विलेज हैज काइंड ऑफ फ्लरिश्ड, एंड हाउ द वुमेन हैव लाइक, एंड इवन अनिता दी ऑल्सो सपोर्टेड हर ओपिनियन, सेइंग हाउ द वुमेन हैव मूव्ड आउट ऑफ द हाउस होल्ड्स, आर बीइंग करेंटली बीइंग एबल टू क्लेम देयर राइट्स एंड डिमांड्स, एंड द स्पेस प्लेसिंग द वांट्स एंड नीड्स इन फ्रंट ऑफ द वेरियस लाइक इन फ्रंट ऑफ द मेन हु आर आउटसाइड एंड करंटली लाइक मोर एंगेज इन द सोसाइटी। बट लाइक दे ऑल्सो शेयर दैट द विलेज ऑफ बटवार इन मध्य प्रदेश इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द कान्हा नेशनल पार्क, एंड द फॉरेस्ट इज काइंड ऑफ लाइक इट इज डिफिकल्ट, द रीजन्स विच वर अर्लियर यूज फॉर क्रॉपिंग हैव लाइक बिकॉज ऑफ द थ्रेट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स हैव पीपल हैव हैड स्टॉप्ड फॉर द पास्ट 20 ईयर्स फॉर फार्मिंग एनी काइंड ऑफ पैडी और वीट, दे हैव स्टॉप्ड फार्मिंग, बट ट्रेडिशनली बटवार हैड ग्रोन क्रॉप्स विच इज पार्ट ऑफ द कल्चर हेरिटेज ऑल्सो नोन एज कोदो कुटकी। सो आफ्टर 20 ईयर्स बिग ऑफ लाइक दैट लैंड लाइंग विदाउट लाइक बींग क्रॉप्ड एट हैड बीन लाइक अफेक्टेड बाई द वेरियस इन्वेसिव स्पीशीज एंड विच इज लाइक वन तुलसी लाइक लैंटना विच हैड कवर्ड द एंटायर लैंड, बट पोस्ट 20 ईयर्स लाइक अलॉन्ग विद द फियर्स द कम्युनिटी मेंबर्स हैड टेकन इट अपॉन देमसेल्व्स टू क्लियर दैट लैंड ऑफ दिस इन्वेसिव स्पीशीज एंड अगेन हैव बिगन द प्लांटेशन ऑफ द दिस ट्रेडिशनल क्रॉप्स ऑफ कोदो कुटकी। नाउ व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट इज द फैक्ट दैट लाइक ओवर द इयर्स फार्मिंग हैज इन्वॉल्व प्रैक्टिस ऑफ क्रॉपिंग राइस एंड ऑफ क्रॉपिंग पैडी एंड अदर काइंड ऑफ क्रॉप्स विच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। एज आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस एज VAPS ऑल्सो लाइक ट्राई टू प्रमोट यूज ऑफ नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एज अ टेक्निक फॉर फार्मिंग अ हेल्दियर वेराइटी ऑफ लाइक ग्रेन्स, द कम्युनिटी हैज टेकन अप इट्स ओन मेजर ऑफ लाइक प्रैक्टिसिंग दिस काइंड ऑफ अ हेल्दियर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। दे हैव टेकन अप फार्मिंग कोदो कुटकी विच इज डज नॉट इन्वॉल्व रियली
The use of fertilizers and has been traditionally grown in that region. Dasundi Pusam Chair also shared how during the time of illness, the people of the village still prefer using this kind of like using resort to kodo kutki as a source of nutrition instead of rice. But other than that, she has also narrated to us stories of how the village is disconnected from the city. It is difficult to connect to the city through the roads, which have because the roads have not been that developed. How it takes 80 rupees per journey to travel to the cities and to the banks, and how the information is it at even that point not properly relayed to them. There is also issue of development of schools and hospitals. The absence like their ANM also is not regularly present, which kind of puts the villages at risk because they are not being able to always know. They don't have a kind of a health medical care support regularly and easily accessible to them. And they have also specified, Anita Ji had also added to the story saying that how the people of the village, they are dependent on the forest nearby collecting harira, bahira, and also making plates out of the leaves collected from the forest and selling them in the market, which is a very important source of livelihood for the people in Batwar, Madhya Pradesh. So now, I hope I have done some bit of justice to whatever the story has been shared by the community members. So I'd like to invite questions, if any, from the panel members, from the audience, anyone who would like to know more. Aap question ko Hindi mein bhi bata sakte hai. You can also have the question in English. You can have it chat. Aap hand raise kar sakte hai, ya phir aap jo question answer wala session hai, wahan aap questions ko daal sakte hai. You can raise your hands to communicate your questions, or you can also write it in the question at Q&A box or the chat box, if that is what you find comfortable doing. But aside from that, अभी मैं दासंजी पुसम जी जो अभी बहुत बिजी है हमें वो प्लेट बना के दिखाने के लिए उनसे उनसे कुछ मुझे ही कुछ पूछना है एक्चुअली. मैं जी खुद जो खाद्य संसाधन है उसके विषय में मैं भी बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ. तो मुझे दासन जी एक चीज पूछना है आपसे कि ये कोदो कुटकी जो है, एक बात बताइए, आपके वहाँ जो स्कूल वगैरह है, जो आप बोल रहे थे कि एक स्कूल बंद हो चुका है और एक स्कूल खुला हुआ है, और बच्चों में वैसे भी उनको 20 साल से नहीं खाते हुए इसलिए उन लोगों को कोदो कुटकी वाले जो खाना है वो भी उनको ज्यादा पसंद नहीं है खाना. वो लोग जी चावल दाल इससे ही ज्यादा वो लोग अच्छा उन लोगों को वही खाना ज्यादा अच्छा लगता है. तो स्कूल में मिड डे मील वैसा कुछ सिस्टम है क्या जहाँ आप लोग कोदो कुटकी वगैरह जो है वो बच्चों को खाने के लिए देते हैं दोपहर को, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं देते मैडम, अब अच्छा. हम तो बूढ़े हो गए हैं मैडम. हमसे कोदो कुटकी साफ करते नहीं बनता, उसकी चावल निकालते. अभी बहू बेटी कोदो कुटकी को कुनेता में दरना पड़ता है, काड़ी और वो मूसल में कूटना पड़ता है, वो नहीं कर सकते इसलिए दाल चावल ही खिलाते हैं स्कूलों अच्छा, और आप में. लोग घर में जब बनाते हैं तो वो सब करके आप लोग घर खुद खाते हैं वो? जी मैडम, हम थोड़ा बहुत अभी जब तक कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक के कर लेती हूँ, फिर बहू नहीं करेगी तो वो जाने. अच्छा. लेकिन हम जैसे बुखार उखार आ गया किसी को तो कोदो कुटकी की चावल खिलाते हैं, रोटी और कोदो कुटकी की चावल खाते हैं. चावल नहीं खाते, किसी को बीमारी हो गई उस समय, और पेट भी अच्छा बनाते हैं कुटकी का. कुटकी का खिचड़ी पेट प्लेट भी बनाते हैं? जी, आज तो मैं अच्छा कटकी का बनाई हूँ मैडम. अच्छा 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 ये वाला कुटकी का ही प्लेट है ना? जी अच्छा नहीं अच्छा नहीं दादा ये तो पत्ता है मैडम, इसमें अच्छा, खाना. तो कुटकी का प्लेट क्या है? जी मैं लाइन पत्ता जी बोलते हैं. बनाने के लिए तो दोनों बनती है, दोनों बनाती है, दोनों बना के दिखाऊं मैडम. अच्छा, ठीक है. ऐसे अच्छा, ऐसे खाने के लिए मटन है ये हम सब सेशन के ऐसा आखिर तक ऐसा दोना बनाती हैं पेट पीने के लिए, ऐसा यहाँ ऐसे ऐसे पे पेट पीते हैं. भी अच्छा, ऐसे पीते हैं आप? जी अच्छा, और एक पूछना है आपसे, आपके लिए एक सवाल आया है, ठीक है? तो मैं आपको वो पूछना चाहूंगी, थोड़ा रुक जी जाइए. जी अच्छा, दोनों खेती है
उसको बढ़ाने के लिए समुदाय के लोगों ने क्या क्या किया है? आप बता रहे थे कि आप लोगों ने कुछ वो जो है कि आप लोग रक्षा करते हैं रात को जाके खेतों में ताकि जंगली जानवर के अंदर आने ही, ताकि वो लोग कम आए खेतों को, आप रक्षा ऐसे करते हैं। तो और क्या क्या काम किए हैं आपने कि कोदो कुटकी का जो चास है उसको ज्यादा खेती है, उसको ज्यादा आसान बनाने के लिए? तो अपने अपने प्लाट में सब झोपड़ी बनाते हैं मैडम, और सब जाते हैं अच्छा रखवाली के लिए। और जैसे गांव अच्छा में कुछ हो गया, कुछ लोग कार्यक्रम में फंसे हैं तो कुछ लोग चले जाते हैं, तो वो जब तक ये पीछे वाले लोग नहीं जाते तब तक के रखवाली करते हैं सबके प्लाट में। तो वो अच्छा जानवर आते हैं वो भग जाते हैं। अगर ये कल जो लोग खेती करेंगे उनके घर में कुछ हो गया, वो जा नहीं पाएंगे तो जानवर सब पूरा नष्ट कर देंगे, खा लेंगे, वहां कुछ नहीं बचेगा, इसलिए सामूहिक खेती करते हैं। अच्छा तो जो है कि दासंदी पुसम जी ने जो कहा, व्हाट व्हाट दासंदी पुसम जी हैड जस्ट कम्युनिकेटेड इन हिंदी, आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर ऑडियंस प्रेजेंट देयर। शी वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट हाउ द कम्युनिटी मेंबर्स हैड कंट्रीब्यूटेड टू प्रमोशन ऑफ फार्मिंग ऑफ कोदो कुटकी, अ कल्चरल हेरिटेज इंडीड फॉर मध्य प्रदेश, बट अ क्रॉप व्हिच हैड बीन आउटसाइड देयर डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। So she said that although the crop like kodo kutki has been like it is difficult to process it into edible parts, so edible food, so kind of she does it, but she does not know whether the next generation would actually follow that. But it is still a tradition to consume kodo kutki in the village, in the community, in case of disease or in any case of illness that they are facing. Aside from that, one of the huge issues for the village and farming of kodo kutki sustains is the invasion by the wild animals. So to prevent that and to enable better farming practice, what the villages of the community have done is that they have formulated a community like protection system, and they have a community cropping practice also in that where all of them collectively farm Kodukutki, and also they have kind of settlements there. And although like even if one particular family member may not be of a like from a farmer family, may not be actively able to participate regularly daily within the process of protecting the land, of protecting the land, excuse me a bit, please. जी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो व्हाट सो सिंस ऑल ऑफ देम माइट नॉट बी अवेलेबल रेगुलरली टू प्रोटेक्ट द लैंड, व्हाट हैपेंस इज दैट फ्यू पीपल लाइक फ्रॉम द होल कम्युनिटी लाइक दे टेक टर्न्स इन प्रोटेक्टिंग द क्रॉप सो एज टू प्रिवेंट इट बीइंग स्पॉइल्ड बाय द इनवेसिव वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। So what is request ardently requested by Pusam ji is the fact that with the organizational support or with the government support, maybe a kind of social fencing be arranged around, like other than the social fencing which is currently being practiced, more physical fencing also be arranged around the village to protect it from these kinds of attacks. तो जो है कि बहुत बहुत शुक्रिया दासंदी पुसम जी, अनिता जी एंड सर कहानी शेयर धन्यवाद करने के लिए। अभी जो हम लोग अगले कहानी में जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए मतलब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग वेट करेंगे सेशन के आखिर तक, तब सब लोग की कहानी जब पेश किया जाएगा तो आप लोग भी उनसे कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और कुछ आप लोग को बताना हो तो बता भी सकते हैं। ओके द स्टोरी काइंड ऑफ सो द नेक्स्ट सेशन इज अबाउट अ स्टोरी विच इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड बाई अरिका रधम्मा from Kondaberi, the Andhra Pradesh, and it narrates a tale of entrepreneurial development of the 14 tribal women from Ekalavya group. It tells us the story of transformation of the ZBNF paddy into high demand organic rice, but also it tells us the story of women transforming their lives for the better. सबकी समझने की सुविधा के लिए मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगी। तो ये है कि अगली कहानी हमारे सामने पेश करने आने वाली है अरिका रधम्मा जी। वो आंध्र प्रदेश की कोंदराबरिदी ग्राम से है,
और वो हमें बताने वाली है कि कैसे उनके गांव में एकलव्य ग्रुप नामक जो उद्यमी मतलब उद्यमी संस्था है, उसने कैसे गांव में अवेलेबल गांव में मिलने वाला जो BNF पैडी है उसको मतलब ऑर्गेनिक जो चावल है जिसका भी मार्केट में बहुत हाई डिमांड है, उसमें कैसे उन्होंने उसको कैसे प्रोसेस किया, उसमें कन्वर्ट किया। तो ये कहानी सिर्फ एक मतलब धान के चावल बनने की कहानी नहीं है, धान के ऑर्गेनिक चावल बनने की कहानी नहीं है। गांव की जो महिलाएं हैं वो लोग कैसे खुद को खुद के सशक्तिकरण में मतलब ये जो पूरा कहानी है ये गांव की महिलाओं की सशक्तिकरण की भी कहानी है। कैसे वो लोग अपने जो है रोजगार के रोजगार से खुद को गांव में और भी मतलब गांव के जो कहानी है गांव की जो इतिहास है उसके कैसे एक्टिवली उसके हिस्सा बन रही है। तो ओवर टू अरिकराधम्मा जी, आप आर यू देयर मैम? अरिकराधम्मा मैम और लाइक अजरपू श्रीषा जी, आप इफ यू आर देयर प्लीज लाइक पुट ऑन द वीडियो। या मैडम, 2 मिनट्स, देर इज नो पुअर सिग्नल। ओके ओके, लाइक इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट सिंस वी आर क्वाइट रनिंग बिहाइंड द टाइम, वी कैन जस्ट बिगिन द सेशन। यू कैन लाइक नैरेट योर स्टोरी, विल शेयर द स्लाइड एंड वंस योर नेटवर्क वी वुड हैव ऑल्सो, इट वुड बी रियली ग्रेट टू फाइंड लाइक सी यू इवन इफ नॉट फेस टू फेस बट टू द स्क्रीन, एवरी वन वुड लाइक टू सी यू। तो अजरपू जी और अरिका जी, अगर इफ यू गाइस कैन बिगिन ऑन द प्रेजेंटेशन एंड व्हेन द नेटवर्क बैंडविड्थ परमिट्स प्लीज कुड आल्सो स्विच ऑन द वीडियो। अरिका जी एंड अजरपू जी, इफ यू फाइंड इट कन्वीनियंट कैन यू प्लीज बिगिन शेयरिंग विद अस द स्टोरी, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। Madam, R.K. Radhamma is not available because there is poor signal. I will explain in English. Okay, so it is okay. You can share the story. If you are okay with doing the presentation, telling us the story in English, that is also fine. But if you find it more comfortable to share in Telugu, that would also be fine. We have someone with us on this end, Jayashree, we have. She will be helping us with the translation and getting the points across to us and all the Hindi speakers also. Yes, please. Madam, screen sharing is not available in that mobile name. I will explain in English. Are you able to look at the current screen on your Zoom? I think that from the end of our like team, your presentation already has been is being shared. The first slide is already on. Yeah, madam, already shared. Yeah. Please tell us when you want us to change the slides, and we would change accordingly. एक बार बता, एक बार ही शिरीषा गारू, दिल्ली या सुंदर मैम,
మీకు ఇంగ్లీష్ కంఫర్టబుల్ అయితే ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి, లేదు అంటే తెలుగులో చెప్పండి. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, మీకు ఇంగ్లీష్లో నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. మీకు తెలుగు ఓకే కంఫర్టబుల్ మేడం. తెలుగులో మాట్లాడండి, బట్ ఓకేనా? ఆరికి రాధమ్మ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా మేడం, సో తన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. బట్ తను ఆవిడ వస్తుందా? సిగ్నల్ లేదు. యా బట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. లేదు, ఆవిడ వస్తారు అంటే మేము ఒక 2 మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాము. లేదు, ఆవిడకి ఇంకా టైం పడుతుంది అంటే మీరు స్టార్ట్ చేసేయండి తెలుగులో చెప్పడం, నేను ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో స్టార్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. చేస్తాను. యా ఓకే మేడం. ఓకే. ఓకే. త్రిష గారు, శ్రీష గారు ఉన్నారా? శ్రీష జీ, శ్రీష గారు ఉన్నారా అండి మీరు? So I think that there might be some technical glitches and we would have to postpone this presentation a little bit. Instead, we'll be having a presentation from Manjuben Mansukhbhai Mori, who is from Reshamiya, Gujarat. The story will re-emphasize the connection that women shared with their comments. The hope is to look at the depth of engagement with nature that begins at our homes and the kitchens, and connect to our memories of the past. The story gains a very important role in context of climate change, whereby we are rapidly losing our traditional biodiversity, food, and commons. अच्छा, मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर देती हूँ. तो हमारी जो अभी जो प्रेजेंटेशन हमारे सामने कहानी बताने आ रही है मंजूबेन मनसुख भाई मोड़ी जी, वो रेशमिया गुजरात से है. और ये कहानी हमें वापस से हम लोगों को याद करवाने वाली है कि महिलाएं कैसे उनके गांव के जो है सामूहिक संसाधन उनके साथ जुड़ी हुई है. हम लोग मतलब जो दैनंदिन रोजगार का जो जीवन है उसमें ये जो महिलाएं हैं वो कैसे प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है. खाने की जो कहानी है वो हमारे घर से, हमारी रसोई से जुड़ी हुई है, पर हमारे जो अतीत की यादें हैं उनसे भी जुड़ी हुई है. ये कहानी जो है कि जलवायु परिवर्तन के जो स्थिति है अभी, उसमें जो हम लोगों की जो हम लोगों की जो परंपरागत जो जैविक विविधता है वो जो हम लोग खो रहे हैं, इसी स्थिति में हम लोग इस कहानी को सामने पेश करना चाहेंगे. तो मंजुबेन जी, अगर आप शुरू करना चाहेंगे. आप प्रेजेंटेशन प्लीज शेयर कर सकते हैं? हाँ, हम लोग शेयर कर रहे हैं. प्रेजेंटेशन आपको अगर दिख रहा है, आप बता दीजिएगा कि कब स्लाइड चेंज करना है, हम लोग कर देंगे इस तरफ से. ठीक है, थैंक यू. मारूंगी नाम मंजूबेन चोटिला पढ़ के रेशमिया गांव. नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड. मंजूबेन मोरी रावरदेव. अमे कुवाड़ो लेवा जाता ने घास सारो थातो तो एक अमे दाढ़ी अमारी चालती थी. પછી એમાં બહુ ઘાસ થયો એટલે માલને સરે એવું થયું. જનાવર ને બહુ આમ મજા આવી ગઈ, નકર જનાવર એ ક્યાંય રે ન હોગે. પછી એમાં ચોમાની ઋતુમાં તો
नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड कली मुनि जाओ, नेक्स्ट स्लाइड। गौसा सुधारा सुधारा थोड़ा तकलीफ हो रहा है हमारे इस एंड में, थोड़ा प्लीज हमसे थोड़ा हमारे ऊपर थोड़ा पेशेंस रखिए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। भी दिख रहा है क्या स्लाइड? यस यस, कहाँ गुंजा शुद्ध शरण जा रही? क्यों नहीं तो पसी? अरे कली मली जो आप बोलो, देखा नहीं बोलो, गुंजा शुद्ध नाम नहीं पढ़ा, नहीं बोलो। राणियों ना तो जो हमें दी पड़ा हमारी सिम मारे अने पंखी दीपड़ा रोज अने हरण घूड़ मोल्ला बधी बधे प्राणियां ने अमे रक्षा करी छे अने ई झाड़वाई हाटू राख्या से बधा आ घास निकली गया पछी कुवाड़वा पछी तो ई जनावर बधा यता रे अने आवर छे ई कोई ने पैकी मरड़ा गयो होय तो ई आपणे एनो पाटो बांधवानो सके छे। दवाखाने न जावू पड़े एम के ई पाटो बांधियो गरम एटले आपणने हारू थई जाय। हालो इसी थोड़े थोड़े बोलवानो छे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। गलकारी हवे અને જે આ ગલકા આવ્યો ને એ આપણે શહેરમાં તો નહીં મળતા હોય, અમારા ગામડામાં તો તારે આ બધે છે અમે ખાઈ છી અને શહેરમાં તો લેવા આવે માણસો અને લેવા આવે પણ એ જો 200 રૂપિયાનો કિલો છે તો એ લઈ જાય અને પછી એનો જ્યુસ બનાવે પછી પીવે તો એનો લોહી સુધારો થાય ગમે એવું તકલીફ હોય ને તો એ દૂર થઈ જાય। નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, અને અમાર પશ્ચિમમાં તો આ કલીમલી થાય એ તો સોમાણ ઋતમાં થાય, કાંઈ વાવી ન થાય પછી અમે લઈ આવી અને એને ધોઈ નાખવી પછી સુધારવાની સુધારીને પછી એને બાફવાની બાફીને પછી લાડવો વારવાનો, લાડવો વારી પછી ખરેખર નીતારી પછી તેલ આવવા દેવાનું મરચું મીઠું બધું નાખી પછી હલાવી વારવાનું પછી ભાજી બનાવવાની પછી ભાજી તમે ખાવ ને તો તમને એમ થાય કે મારે આ જમવું જ છે એમ। નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, કંકોડા અને એ આ સોમાની રૂતના કંકોડા તો કંકોડા લઈ આવી અને એને આપણે સુધાર નાખવાનું પાણીમાં ધોઈ નાખવાનું પછી નકરા તેલમાં વઘારવાનું એક ડુંગળી નાખવાની પછી નકરા તેલમાં વઘારી અને મીઠું મરચું નાખીને બધું આમ ખરેખર પછી તમે એક સાઈઝ થોડીક નાખો ટીપું પછી તમે ખાવ એટલે તમારો અવાજ કેવો આવે કે મારું બેટું આપણા આછા તો આપણે જમવાનું છે એમ। નેક્સ્ટ લાઈન, અને કુંઠેલ છે ને બેન ઈ નાના છોકરાને એકી બંધ થઈ જતી હોય ને તો ઈ કુંઠેલ નો વેલો થાય થોરમાં પછી આપણે ઈ પેલા પાંદડા તમે હવારમાં ખાવ ને તો તમને ખાટા મીઠા લાગે અને પછી તમે પાંદડા ખાવ ને તો તમને હાવ મોરા લાગે પછી ઈ કુંઠેલ લઈ આવવાની એને વાટી નાખવાની વાટી અને એનો રસ આવે ને ઈ બાળકને પાઈ દેવાનો એટલે એનેથી ખુલાસેથી એનો પેશાબ અટકાવ નો રહે ને ઉતરે। નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, નેક્સ્ટ આ હાલો ફાંગ, આ ફાંગ આવી ને એના ભજીયા બનાવવાના, ભજીયા બનાવી આપણે ઓલા અડવીના પાનના કેમ બનાવી એમ બનાવવાના અને પછી તમારે જમવાનું તો તમને એમ આપકો થાય દીખ, આવું તો કોઈ દિવસ નથી ભર્યું એવું એના ભજીયા બને તો તમે એક દી ખાવા આવજો અહીં રેશમિયામાં। આપકા આવાજ નહીં આ રહા, આખો અવાજ નથી આવતો એમ રિપીટ કે રિપીટ, ઠીક હે, રિપીટ ફરીની કરેંગે પાન નું કેવાનું આ ફાંગ ના છે ને બેન ભજીયા બને પછી આપણે અળવી ના પાન ના બનાવી ને એવા બનાવવાના અને પછી એ તમારે જમાવાનું રેશમિયામાં અમારા ઘરે તો એના ભજીયા તમે કોઈ દી નહીં જમ્યા હોય આ ગામડામાં આ સોમાણ રૂતે એવી બને
नेक्स्ट लाइन कंकड़ा चाक भाजी आ કંકોડા મે વીણી આવ્યા છે અને એને પછી સુધાર્યો શાક બનાવ્યું અને પછી મલ્લિકાબેન ને જમવા દીધું. તો મલ્લિકાબેન કે ના 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 બેન, બહુ સારું બન્યું છે. તો મેં કીધું કંકોડા હું લઈ આવું, તમે આ મારા ઘરે થાય છે, તમે આવજો. શાક બનાવવાનું જો પેલા સુધાર નાખવાનું ધોઈ, અને પછી તેલ આપણે ખરેખર વાવા દેવાનું. પછી આને તેલમાં શેરડી વારવાનો, અને મારી પાસે એક ડુંગળી નાખવાની. ખરેખર નું સડી જાય પછી તેલ, ઓલું મરચું મીઠું અને જે આપણે વસ્તુ નાખતા હોય નાખીને પછી પાછો જરાક સાઈસ નાખ્યું હોય તો નખાય, નકર નો નાખો તો સરસ થાય શાક. અને તમે ખાતા ન ધારા, તમને એમ થાય કે મારે આ ખાવું જ છે. એમ સોમાહાની સોમાહાની રુચ નું છે, અત્યારે કાંઈ તમને દર્શન ન થાય. નેક્સ્ટ લાઈન બેન ને મને કહી પાછી ભાજી આવી, સાંભળી શાક બનાવવાનું છે. મને હાલો જો ભાજી નું શાક નું તમે સાંભળો, હું બોલું. એને જો લઈ આવવાની, આ પાંદડા લીધા ને એમ લેવાની અને પછી સુધારવાની. સુધારીને પછી એને બાફી વારવાની, બાફી અને પછી લાડુઓ વાર દેવાનો. વારી ને આમ ખરેખર નિતારી વારવાનું, પછી તેલ ને મરચું નાખી અને ખરેખર નું આમ કકડાઈ વારવાનું. પછી ભાજી માલ પર નાખી દેવાનું, પછી સણા લોટ માથે વેરી દેવાનો. તમે સણા લોટ નો એમ કે આ ભાજી સરસ થઈ ગઈ છે, મૂળા ની ભાજી થાય એવી કલી મલી ની ભાજી થાય. પણ એ તો અમે મલ્લિકાબેન ને કઈ જમવા દીધી નથી. મલ્લિકાબેન ત્યારે આવ્યા ત્યારે ભાજી બરોબર થઈ નથી ને ઉકલી ગઈ, અને અમે તો ખાઈ લીધી. તમે નેક્સ્ટ આવો ને તો તમને જમાડશું અમે. સ્લાઇડ ચોમાસા ચોમાસા દૂધ સિવાય કઈ ન થાય. તો આ તો બાવળ આવ્યો હો ગયા. હિંલા છે. થેન્ક થેન્ક યુ યુ. આભાર તમારો. હાલો હું જાઉં ને. અરે મારે ઓલી રહેતી 5 મિનિટ. 5 મિનિટ કેમ છો? હેલો હેલો, આવાજ આ રહી છે? હા ભરવાનું હોય. હા 5 મિનિટ. હેલો, આવાજ આ રહી છે? આવાજ આ રહી છે. ઠીક હૈ, અભી ટ્રાન્સલેશન હિન્દી મેં હોગા, કુજન કરીએ. હિન્દી મેં બતા દીજીએ પ્લીઝ. મંજુમા હૈ વો રાવલ કોમ્યુનિટી કે હૈ ઓર ઉનકા બેઝિકલી જો કામ હૈ વો રાવલ કા વો ટેમ્પલ મેં ડમરૂ બજાને કા કામ હૈ ઓર મંજુમા જો સુરેન્દ્રનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કે રેશમિયા ગાંવ કે હૈ રેશમિયા ગાંવ મેં ગૌચર સુધારણા કા કામ કિયા હૈ ઉસમે મંજુમા ને કુવાડિયા નિકાલને મેં કામ કિયા હૈ ઓર મંજુમા હૈ વો અપને ગાંવ કે ગૌચર મેં શાકભાજી લેને કે લિયે જો ભી સીઝન મેં જો ભી શાકભાજી આતે હૈ વો લેને કે લિયે જાતે હૈ વો બેઝિકલી ઉનકા કામ હૈ કે વો લેબર હૈ મજૂરી કા કામ એસે જહીં પે કહીં ભી ખેત મેં યા આસપાસ કે ગાંવ મેં મિલતા હૈ તો વહીં વો કામ કરને કે લિયે જાતે હૈ ઓર મંજુમા ને અપને ગાંવ મેં ગૌચર સુધારણે કા કામ કિયા થા ઉસમેં કુવાડિયા નિકાલને કા કામ કિયા થા તો વો સભી બહેને એસે કુવાડિયા નિકાલને કે લિયે જાતી હૈ ગૌચર કી જમીન મેં લકડી લેને કે લિયે જાતે હૈ યા ફિર શાકભાજી લેને કોઈ ફ્રૂટ લેને કે લિયે જાતે હૈ તો વહાં પે ઉનકો બહોત સારે એસે વન્ય જીવ જૈસે ઝરખ હૈ સેઢાડી હૈ ચિંકારા રોજ જંગલી બિલાડી હૈ વો સબ દેખને કો મિલતે હૈ મંજુમા હૈ વો ઉનકે ગાંવ ઉનકે ગાંવ કી ગૌચર જમીન મેં ફાફડા થોર જ્યાદા હૈ તો વો વિન્ટર કી સીઝન મેં ગલકા ઉનકો ફિંડલા બોલતે હૈ વો લાતે હૈ ઓર ઉનકો ગલકા કે અંદર જો પિંક કલર કા હોતા હૈ વો જ્યુસ બનાકર વો સબ ખાતે હૈ ગાંવ કે લોગ ક્યુંકી યે હેલ્થ કે લિયે બહોત અચ્છા હોતા હૈ ઓર મંજુમા બોલ રહે હૈ કે યે 200 રૂપિયે કા કિલો કિલો મેં સબ લોગ બેચતે હૈ મંજુમા બોલ રહે હૈ કે શહેર મેં યે ફાફડા થોર કા ફિંડલા બહોત કમ મિલતા હૈ ક્યુંકી શહેર મેં ફાફડા થોર બહોત જ્યાદા દિખાઈ નહીં દેતા હૈ ગાંવ મેં જ્યાદા દિખાઈ દે રહા હૈ તો
तो शहर के लोग यहाँ गांव में फाफड़ा थोर का फिनला लेने के लिए आते हैं और लेकर उनका जूस बनाकर 200 रुपये का किलो ऐसे बेचते हैं। कलीमली है, कलीमली वो बारिश के सीजन में गोचर जमीन में, कॉमन जमीन में, कॉमन लैंडस्केप में दिखाई देती है। कलीमली का यूज वो लोग ऐसे ही साग भाजी बनाने में करते हैं, तो वो अपने गांव के गौचर जमीन में, गौचर जमीन से लेकर आते हैं और सब्जी बनाने में उनका यूज करते हैं। कंकोड़ा है, तो कंकोड़ा वो बारिश के सीजन में आता है कॉमन लैंडस्केप में, तो वो लोग वहां से, गांव के लैंडस्केप से कंकोड़ा लेकर उनका भी सब्जी बनाते हैं। कुंडेल है, कुंडेल का यूज बेसिकली ये ट्यूबर है, कुंडेल का ट्यूबर है, वो ट्यूबर का यूज करते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को बाथरूम जाने में कोई दिक्कत है और उसका अटकाव आ गया है, तो कुंडेल को वो लोग छिलका निकाल के उनको बांपते हैं और उसका जूस है वो पिलाते हैं, तो वो छोटे बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा है। और फांग, फांग की भी वो लोग ऐसे ही सब्जी बनाते हैं कॉमन लैंडस्केप से लाकर। तो उनकी रेसिपी यहाँ पे बताई है, कंकोड़ा की रेसिपी है कि कंकोड़ा वो लोग वो लाकर बॉईल करते हैं ऐसे, वो कंकोड़ा का अंदर का बॉईल करके उसको अंदर जो सीड्स है वो निकाल देते हैं, और सब्जी जैसे हम प्याज और टमेटा वगैरह नाकर मसाला डालकर उसकी सब्जी बनाते हैं। बाद में कलीमली, कलीमली की भी भाजी बनाते हैं, और उसकी रेसिपी यहाँ पे मंजुमा ने बताई है कि कलीमली की कलीमली जो है उसको थोड़े थोड़े टुकड़े कर देते हैं और पानी में ऑयल करके फिर उसको ऐसे लड्डू की तरह दबोच कर पानी बाहर निकाल देते हैं, और हम जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे सब्जी बनाते हैं। और मंजुमा बोल रहे हैं कि आप लोगों भी सब्जी खाने के लिए यहाँ पे आना मंजुमा के घर पे। हेलो और शुक्रिया मंजू। मंजुमा बेसिकली ऐसे पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको ऐसे ही साग भाजी में और वन्य जीवों में, बहुत वाइल्ड लाइफ में बहुत सारा नॉलेज है। तो मंजुमा का ये प्रेजेंटेशन हिंदी और इंग्लिश में मलाइका और कुजन हम दोनों ने किया है, और इसमें हमने ख्याति ठक्कर की भी हेल्प ली है। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछ, थैंक यू मंजुमा जी। हाँ वही, अगर तो मैं पूछना चाहूंगी कि पैनलिस्ट में अगर कोई है या फिर ऑडियंस में कोई है, समवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। सो मंजुमा जी हैज बेसिकली लिस्टेड डाउन अ सीरीज ऑफ वेजिटेबल्स विच शी कलेक्ट्स फ्रॉम हर लाइक कॉमन फ्रॉम द कॉमन लैंड, फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड फ्रॉम द पास्चर्स। एंड शी हैज बेसिकली शेयर्ड विद अस अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग रेसिपीज ऑफ हाउ टू कुक देम। बट वॉट इज एडिशनली इम्पॉर्टेंट इज दैट ऑल ऑफ दिस वेजिटेबल्स are kind of like very important to the health of the region, and some of them actually sell at quite a high price at external markets. And she has also invited all of us to like visit her place sometime to have it. So if anyone from the audience can like wants to ask a question, please feel free to raise your hand, or if someone is there from like field questions in the Q&A box or the chat box. अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो ऑडियंस में आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर पैनल में अगर किसी को पूछना है तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर Q&A बॉक्स में या चैट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं।
अच्छा, बिकॉज लाइक हम लोग को थोड़ा समय में थोड़ा अभी देर हो रहा है हमें, तो आप लोग प्लीज मंजुमा जी, आप मलाइका जी, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, हम लोग सेशन के एंड तक रुकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो हम लोग तब लेंगे, तब आप सबका भी आप सब भी एक दूसरे से क्या बोलना चाहेंगे, आप बोलना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ये पूरे प्रोसेस में भाग लेके, तो वो भी हम लोग सुनना चाहेंगे, तो प्लीज थोड़ा रुक जाइए। ठीक है अच्छा, ठीक तो हाँ, तो अभी हम लोग जो करेंगे वो है कि हम लोग विल मूव ऑन टू द थर्ड प्रेजेंटेशन, एंड है। सो नाउ वी विल मूविंग ऑन इनटू द थर्ड प्रेजेंटेशन। द स्टोरी विल बी शेयर्ड बाय दामोदर रामा भाई, अखम भाई, अखमा भाई, एंड द फैसिलिटेटर विल बी संजय राज दाबी जी। दामोर रामा भाई, अफमा भाई फ्रॉम रेवा गुजरात इज नॉट ओनली गोइंग टू बी द नरेटर ऑफ द टेल ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एज सस्टेनेबल, बट ऑल्सो हैज बीन द लीडर इन द वेंचर। तो दामोदर जी जो है, ये जो कहानी अभी हमारी अगली कहानी हमारे सामने शेयर करने, हमारे साथ शेयर करने के लिए, उनके जो अनुभव है वो शेयर करने के लिए आ रहे हैं दामोदर जी। तो दामोदर जी वाले हैं, वो इस कहानी के मूल नायक भी थे। वो जो खेती बाड़ी की जो हम लोगों का जो भी प्रैक्टिस है गांव में, बहुत सारी जगह में अभी जो जैविक इन जो इनऑर्गेनिक एग्री फर्टिलाइजर्स केमिक पेस्टिसाइड से जो मतलब खेती होती आ रही है, उससे उन्होंने कैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस में शिफ्ट किया है, और खुद भी नहीं गाँव के बहुत सारे लोगों को लेके उन्होंने ये जो महत्वपूर्ण पदक स्टेप है वो लिया है। तो उसकी कहानी शेयर करने के लिए अभी हमारे सामने दामोदर जी आएंगे। दामोदर जी, अगर आप आ गए हैं, यहाँ हैं, तो अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और कहानी हमारे साथ शेयर करें, तो हम लोग इस तरफ से जो है कि प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर कर देंगे। स्लाइड चेंज करना हो तो हमें प्लीज बताइए बताइएगा। व्यू क्लियर क्लियर नहीं, नहीं है। મારો પરિચય, મારું નામ દામો રામાભાઈ અકમા ભાઈ, ગામ રેલવા, તાલુકો કડાણા, જિલ્લો મહીસાગર, ગુજરાત રાજ્ય. જે મારું ગામ છે, મારા ગામનો વિસ્તાર રાજસ્થાનની બોર્ડરથી 10 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. વિસ્તારના જે મારો વિસ્તાર છે, જે ડુંગરાળ પ્રદેશ છે, જે વિસ્તારની જે સમસ્યાઓ હતી તે અમારા 1975 ની અંદર કર્ણાબંધ બાંધવામાં આવ્યો
क्योंकि हमारी जे परिस्थिति ने संस्कृति भी बिल्कुल विकट परिस्थिति में आती है। ये समय हमारी जे करना बंदी अंदर जमीन हो गई, ये डूबान में थी, हमें जंगल जमीन में वसवाट करो, अने जंगल जमीन ऊपर जंगल ऊपर भरण पोषण हमारी भरण पोषण चालते थे। तो आ समय માણસ ને બે જમ બે ટાઈમે જમવાની પણ મુશ્કેલી હતી એવા કપરી પરિસ્થિતિ આ બંધ બાંધવાથી અમારી તો વિસ્તારને લગતા જે સમસ્યાઓ હતી એ કરણા બંધ થઈ અમે વિસ્થાપિત થયા, કોઈ માહિતીનો અભાવ હતો, નબળી પંચાયતો હતી, એનાથી અમારી પરિસ્થિતિ બિલકુલ નીચ હતી. તો છેલ્લે અમારું જે 2009 થી એફએ સંસ્થા દ્વારા એક એને શરૂઆત કરી, જેકેએમસી તરીકે પેલા એ કામ કરતા હતા, એ અમારા ગામોમાં આવી અને સરકારી લાભ અને જે આપણી જે ખેતીવાડીને સુધારેલી બિયારણ વેચાશ વચ્ચેનું અંતર અને બીજ માવજત વિશે જાણકારી આપતા હતા, એ જાણકારી લઈ અમે અમારી ખેતીની અંદર સુધારો કર્યો, અમે વિઝિટો કરી, જે જે નવી પદ્ધતિઓ અપનાવી એનાથી અમારું જે જીવન સ્તર થોડું સમય મર્યાદામાં સુધારો આવ્યો. પછી જેમ જેમ અમે આગળ વધતા ગયા, આ જીકેએમસી વાળાએ અમારા ગામને આવી ફળિયા કમિટીઓ બનાવી, ફળિયા કમિટીઓ બનાવી, પછી ગામનું ખેડૂત મંડળ બનાવ્યું, ખેડૂત મંડળ બનાવ્યું, એની અંદર નિયમ હતા કે જંગલ પર્યાવરણ અને રક્ષણ કરવું અને હાજર. પછી ધીરે ધીરે ફેડરેશનની રચના થઈ, ફેડરેશન એટલે 40, ધીરે ધીરે અમારો વ્યાપ વધતો ગયો. એમ દરેક ગામમાંથી એવા આગેવાનો લીધા કે અમને દર મહિને અઠવાડિયે ગામની અંદર એ બોલાવો તો મળીએ, ભેગા થઈએ અને કોઈ સમસ્યાની ભેગા થઈને આપ લે કરતા, એ પ્રમાણે આયોજન આગળ વધાર્યું અને અમારી શરૂઆત 2009 થી શરૂઆત થઈ અને ફેડરેશનની રચના થઈ. આ ફેડરેશનની અંદર દરેક જાતના છેવાડાના માણસ સુધીના જે પ્રશ્નો હતા એ પ્રશ્નોની ચર્ચા થતી હતી, ચર્ચા લઈ દરેકે અમે પોત પોતાના ફળિયે સર્વે કરાવતા હતા. આ સર્વે કરાવી કયા ફળિયાની અંદર કયું કામ બાકી છે, કઈ પાણીની અછત છે, કઈ રસ્તો છે, કઈ વિધવા કે વૃદ્ધ પેન્શન કઈ જગ્યાએ છે, એના સીઆરપી મિત્રોનો સર્વે કરતા હતા. સર્વે કરી અને પછી હવે અમારા જે 46 ગામ હતા એવા અમારા 2 તાલુકા છે, સંતરામપુર અને કડાણા, આ બંનેના આગેવાનો ભેગા થઈ આ મલ્ટીએક પ્લેટફોર્મ તૈયાર કર્યું. એની અંદર 2019 2013ની અંદર અમે મારા ગામથી જ આ સંવાદ કાર્યક્રમ ચાલુ કર્યો અને શુભ શરૂઆત મારા ગામથી મેં કરી હતી. તો પ્રશ્નોને નડતા હતા પણ નડતા હતા અમે પાછા હિંમત હાર્યા નહોતા અને આ પ્રોગ્રામ પણ કર્યો. પછી તો બંને તાલુકા મળી અમે મોટું આ પ્લેટફોર્મ તૈયાર કર્યું, એની અંદર દરેક જાતના વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થતો હતો, ગામના આગેવાનો, નિષ્ણાતો, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, ગ્રામ પંચાયત, રિટાયર કોઈ જે કોઈ ખાતામાંથી રિટાયર કર્મચારીઓ એને પણ સામેલ કર્યા, આ બધા મળી અને છેવાડાના માનવી સુધી અમે એને પણ જગ્યા આપતા હતા. એ પ્રમાણે અમે આયોજન કરી અને જે જગ્યાએ અમે ગ્રામ સંવાદ કરવાનું હોય ત્યાં દરેક સરકારી કર્મચારીઓને આમંત્રણ આપી અને દરેકને બોલાવતા હતા, અને જો ગ્રામ સંવાદ થતો હોય તો દરેક વિભાગના સ્ટોલ તૈયાર કરતા હતા. દરેક સ્ટોલની અંદર જે તે કોઈને આમ જનતાને ડાયરેક્ટ ટુ ડાયરેક્ટ માહિતી મળી જાય એ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા હતી, કોઈ એનો આગેવાન કે કોઈ આ વચ્ચે વચોટિયા નહીં, એટલે સીધો સંપર્ક ગવર્નમેન્ટના અધિકારીઓ સાથે થતો. તો આમાં એક સમય અમે ગોધર ગામમાં ગ્રામ સંવાદ કર્યો તો એની અંદર અમે જે આ એફએ સંસ્થા વાળાએ ગામે ગામ જઈ ડેટા તૈયાર કર્યા હતા. તો આવું કેવું હોય કે સરકારીમાં તો ઓનલાઈન સરકારી ગામ બોલતું હોય ને ગામડામાં કદાચ ડેટા તૈયાર કર્યા ત્યાં ગામ કંઈ કામ જ ના આવે, એવું અમે એક નક્કી કરી અને સરકાર તરફથી ડેટા મંગાયા અને
એફએસ તરફથી અમારા વિસ્તારના પણ ડેટા ભેગા કર્યા, તો એનો સમન્વય થાય. તો સરકારી ડેટા બોલતો હોય કે ગામમાં કામ છે, તો અહીં સર્વેમાં અમારામાં આવ્યું હતું કે અહીં છે જ નહીં. એ સમયે આવું અમે ઘણું બધું તૈયારી કરી, તેમાંથી ઘણા બધા ફાયદા થતા. તો જે ગામમાં આંગણવાડી નથી એ જગ્યાએ આંગણવાડીનું પણ તપાસ થઈ, તમામ અધિકારીઓને એની જાણ કરવામાં આવી અને દરેકને સૂચન કરવામાં આવ્યું, તેનાથી ઘણો બધો ફાયદો થયો. 1913માં જે અમારે ત્યાં વૃદ્ધ પેન્શન અને વિધવા પેન્શનની કોઈ માહિતી જ નથી, આ છેવાડાના માણસ સુધી આ માહિતી એક સાથે 750 અને કેસોની મંજૂરી અપાઈ હતી. પછી બાકી આ સંવાદ કાર્યક્રમની અંદર દરેક પ્લેટફોર્મને બોલવાની છૂટ છે, નાનામાં નાના માણસને બોલવાની છૂટ, હર કોઈ ઊંચ માણસ કોઈ બોલી શકે એવું આવતું નથી, કોઈ ભેદભાવ હોતો નથી. પછી અમે 2019થી તો મેં સજીવ ખેતી ઉપર બહુ પ્રયત્ન કર્યા. 2019થી તો પ્રાકૃતિક ખેતીનો પણ વ્યાપ મારા જોડે વધી ગયો, પ્રાકૃતિક ખેતીની ટ્રેનિંગો આપવાનું કામ આ બધું જ થાય છે. અને આ જે સર્વે બહાર નીકળ્યું એની અંદરથી અમારા થયેલા કામો જેવા કે ઢીંગલવાડા એક અમારું મોટું તળાવ છે, તળાવની અંદર કેનાલ કેટલાય વર્ષોથી તૂટી ગઈ હતી, તો આ કેનાલ અમે આ ફેડરેશન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું, કલેક્ટર હતા, ડીડીઓ હતા, બધા હતા, અને એના પછીથી મંજૂરી મળી ગઈ, એ કામ પણ અમારું ઓકે થઈ ગયું અને અત્યારે કેનાલથી ખેડૂતોને લાભ પણ ચાલુ છે. પછી અમારા કર્ણાબંધની અંદર બે સાઈડી કેનાલ છે, ડાબા કોંઠા અને જમણા કોંઠા. જે ડાબા કોંઠા કેનાલ હતી એના જે 22 તળાવો હતા એની રજૂઆત કરી કે ભાઈ અહીં પીવાનું પાણી નથી, ખેતીને પાણી નથી, તો અમને આ કર્ણા બંધમાંથી પાણી અમને મળે એ પ્રમાણે આયોજન કરી, એ પણ અત્યારે 22 તળાવોમાં પાણી છે. જમણા કોઠા અમે જે વિસ્થાપિત થયા એ કોઠા અમારો જમણો કોઠો છે, તો અત્યારે પાઇપલાઇનનું કામ ચાલુ, એ પણ તળાવો ભરવાની આરે આવી ગયું છે. તો આ સંસ્થામાં જે અમે આ મલ્ટી એક્ટમાં પ્લેટફોર્મ તૈયાર કર્યું એની અંદર સિદ્ધાંતો પણ હોય છે, કોઈ ઊંચ નીચની મીટિંગ સમયસર હોય અને આ પ્રોગ્રામ કરતા હોય તો કોઈ જગ્યાએ કોઈને ખુરશી ટેબલ હોતું નથી, બધા એક જ મંચ ઉપર નીચે જ પથારીમાં બેઠા હોય છે, આમાં કોઈ રાજકારણની વાત આવતી નથી, કોઈ આમાં હલ્લાબોલ પણ થતો નથી, અને બધાને એક જ હારે જમવાનું હોય, એક જ હારે બધાને બેસવાનું હોય. અને અમારી જે સંસ્કૃતિ, જે પહેલા અમારા વનવાસી એટલે એ ટ્રાઇબલ એરિયાને આવે, તો જે પાનાનું પતરાળું બનાવતા હતા, પડિયા બનાવતા, અત્યારે તો બધા બની ગયા કાગળના, તો એમાંથી જ અમારે જમવાનું એવો અમે સંકલ્પ લીધેલો, એ પણ અમારી તૈયારીઓ ચાલુ હોય. અને જે પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે, તો કુદરતની જરૂરત છે, પર્યાવરણ માટે જરૂર છે. મેં તો ઘણી વખત ઘણી મિટિંગોમાં બહારના માણસો આવતા એમને પણ કીધેલું છે અમારે અહીં કોરોના આવે નહીં, કારણ કે એટલી પ્રકૃતિને ગોદમાં છીએ, તો એનાથી પ્રકૃતિ અમને ઘણો સાહસ પ્રકૃતિ તરફથી મળે છે. અત્યાર સુધી અમારી બાજુ કોરોનાનો કોઈ પ્રોબ્લેમ હતો જ નહીં, અને સ્વચ્છ ખોરાક હોય છે, અમારો દેશી જ હોય છે, અમારે ત્યાં મકાઈ, ઘઉં, બાજરી, ચણા અને નાગલી, અત્યારે આપણા મિલેટ શિયરની અંદર જે મોદીજી આપણે લાવી રહ્યા છે મિલેટ, એ જ પાકોનું અમે વાવેતર પણ કરાવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. હું તો ખુદ 2019થી કરું જ છું, અને બધે હું બિયારણ પણ આપવાનું પણ ચાલુ રાખેલું છે. તો આમાંથી અમારે ઘણી બધી સગવડો મળી, અમને ઘણો બધો આ વિઝિટો જોઈ, અમે પણ આટલું બધું બોલી શકીએ એવા નતા. આ સંસ્થાના માધ્યમથી જ અમે તૈયાર થઈ ગયા. ત્યાર પછી તો મારા વિશે તો આત્મા પ્રોજેક્ટ છે, ખેતીવાડી અધિકારી બધા જ મારા જોડે આવી, કાલે અમારે પ્રોગ્રામ હતો અમારા ત્યાં આ રથમાં, એટલે આનાથી અમને ઘણો બધો ફાયદો થાય છે. અને જેટલું અમને માહિતી મળી અમારા માટે તે એક આનંદદાયકની વસ્તુ છે કે અમે જે અમારા પેઢીઓથી જે વડવાઓ કરતા હતા ખેતી, એ સમય તો કોઈ રસાયણ કે પેસ્ટિસાઇડ દવા વાપરતા જ નહોતા, એને અડગ પાકતું હતું, પણ આ છેલ્લા 40 વર્ષથી એવું આ રસાયણ અને પેસ્ટિસાઇડ દવાઓ આવી ગઈ, પહેલા ઉપજ મળતી હતી પણ અત્યારે તો એની ઉપજ આપતી નથી. તો છેલ્લે
આપણે પ્રકૃતિની ગોદમાં રહી, પ્રકૃતિની જેમ શિડ્યુલ હતું એ પ્રમાણે આપણે અત્યારના સમયમાં જીવન જરૂર છે અને એને અજમાવવાની પણ જરૂર છે. તો આ આપણે જો કરીશું અને પ્રકૃતિમાં રહીને કામ કરીશું તો જરૂર આપણે રોગિષ્ટ બનીશું, રોગ મુક્ત બનીશું, રોગ મુક્ત આપણો ભારત પણ બને, આપણો દેશ પણ બને. આ બધી તમામ આની અંદર જ છે. બાકી તો જે આ ઝડપી જમાનાની અંદર જે કોઈ જે રોગોને આમંત્રણ આપી રહ્યા છે એ નબળા ખોરાકો, નબળા ખોરાકોથી, નબળી ઉપજથી જ આ બધા થાય છે. અત્યારે ભારતની અંદર જોવા જો તો પંજાબમાં કેન્સર હતો, અત્યારે તો આપણા ગુજરાતની અંદર પણ ઘર ઘર કેન્સરની બીમારીઓ હાલમાં થઈ ગઈ છે. તો બીજું અને સજીવ ખેતીને આ પ્રાકૃતિક ખેતીને તાલીમમાં તો ઘણી જ બધી આપી. આ મારા વિસ્તારની અંદર તો કોઈ બાકી નથી, સંતરામપુર પણ બાકી રાખ્યું નથી. અને જેવા જે સંસ્થા વાળા મને બોલાવતા હતો એ મીટિંગ હું ઉધારે આપતો, જીવામૃત, બીજામૃત, ઘન જીવામૃત, આચ્છાદાન, નિમાસરા, દરેક જાતની ટ્રેનિંગો આપી, ગૌમાંથી જે ખાતરો બનાવવામાં આવે છે એ પદ્ધતિ હું ખેડૂતોને દરેકને જણાવે છે અને દરેકને શીખવાડીએ પણ છે. અને આના માટેની બજારની વ્યવસ્થાપન માટે એપીઓની પણ રચના કરવામાં આવી છે. તો એ પણ થાય છે, એના માટે કોઈ અગવડ ઊભી થાય એવું ખેડૂતો માટેનો પ્રોબ્લેમ નહીં. દરેક જાતનું શાકભાજી, હર કોઈ ચીજ બજાર નહીં લાવવાનું બંધ હોય છે. તો આમાં સારું છે અમારા માટે, અમારા ખેડૂતો માટે તો લાભદાયી છે, અમારું જીવન ઉચ્ચ આવે, અમારા ભાવિ પેઢીઓનું પણ જીવંત રહે. કારણ કે આવું અત્યાર સુધીમાં આપણે આ રસાયણ અને પેસ્ટિસાઇડ દવાઓ પર તો આપણી પેઢીઓ પણ જીવતી ના રહે એ પણ અનુમાન થઈ શકે છે. તો આપણી જીવતી પેઢીઓ જીવતી રાખવી હોય તો પ્રકૃતિ તરફ આપણે વળવાની જરૂર છે. નમસ્તે. मेरा नाम बगाभाई खाट है, मैं गुजरात में संतरामपुर टीम से हूँ. रामभाई ने अभी जो बात बताया कडाणा तालुका की, वो उनका तहसील कडाणा और रेलवा विलेज के हैं. रामभाई ने बताया कि 1975 में कडाणा डैम बना. वो डैम बनने के बाद कडाणा के 32 विलेज विस्थापित हुए और वो विलेज पहाड़ी एरिया में रहने लगे. पूरा आदिवासी पीछे है और टुकड़े टुकड़े में जमीन है. वहीं पे उनको डैम बनने की वजह से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा. और वो बोले कि 2009 से लेके 2013 तक उनने अपने गांव के हैबिटेशन लेवल पे हैबिटेशन लेवल मंडल बनाए, इंस्टीट्यूशन बनाए, गांव का इंस्टीट्यूशन बनाए. और ऐसे करके शुरू शुरू में 2009 में से स्टार्ट किया वीआई बनाने का. और कडाणा तालुका के 33 विलेज में हर एक विलेज में वीआई बनाया. और वीआई का 2009 के बाद सभी विलेज के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे और चर्चा करते थे कि अपने विलेज में क्या इश्यू है, विस्तार में क्या इश्यू है. वो सब सब चर्चा एक जगह पे होता था. और शुरू शुरू में एग्रीकल्चर रिलेटेड बात होता था तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से खेती का शुरुआत किया था. और उसके बाद जब उनका फेडरेशन मिलता था तो अलग अलग इश्यू निकलने लगे कि भाई रेलवा में क्या इश्यू है, मोटराट में क्या इश्यू है. तो विस्तार वाइज जितने भी इश्यू थे वो फेडरेशन में लिस्ट किया गया था. और जितने भी इश्यू निकल के आते थे उसका लिस्ट बना के ग्राम लिस्ट बना के हर वीआई में, हर पंचायत में रिजोल्यूशन होता था. और रिजोल्यूशन करने के बाद पंचायत में रिजोल्यूशन होता था. और साल में कडाणा और संतरामपुर दोनों तहसील में संतरामपुर में साल में एक बार और कडाणा में साल में एक बार तो दो ग्राम संवाद कार्यक्रम होते थे. उस ग्राम संवाद कार्यक्रम में सरकारी डिपार्टमेंट आते थे, अलग अलग एनजीओ के लोग आते थे
और जितने भी डिपार्टमेंट आते थे उसमें विस्तार के जो आगेवान लोग थे, विस्तार के जो लीडर लोग थे, वो अपने एरिया के प्लान कलेक्टर सर को सबमिट करते थे, एमएलए को सबमिट करते थे, और ये प्लान जो सबमिट करते थे उसी में से कुछ ना कुछ कामगिरी बड़े लेवल पे हुआ था। अभी राम भाई ने बोला कि डिंगलवाड़ा का इरिगेशन जो टूट गया था, पुलिया जो टूट गया था वो हो गया। विस्तार में सिंचाई का जो भी प्रश्न था तो गवर्नमेंट ने हेडपंप अप्रूव किए थे, आंगनवाड़ी के मकान अप्रूव किए थे, और कुछ कुछ जगह पे स्कूल में टीचरों की कमी थी वो भी पूर्णता हुआ था। तो एक ये सॉल्यूशन हुआ था। और दूसरा, राम भाई 2009 से जो जुड़े थे उसमें शुरू शुरू में उनके गांव में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में लोगों को समझाते थे। धीरे धीरे फेडरेशन बढ़ने लगा, गांव के लीडर लोग जैसे जैसे जुड़ते गए, हर साल जुड़ते गए, तो फेडरेशन में भी बात करने लगे कि भाई एग्रीकल्चर रासायनिक खाद कम डालो, सजीव खेती करो। वैसे करके संतरामपुर और कडाणा दोनों तहसील में एग्रीकल्चर का प्रचार, नेचुरल फार्मिंग का प्रचार प्रसार वो सब करते हैं। और अभी ये जो रेलवा के राम भाई है उसमें उतना कॉन्फिडेंस आया कि गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी जाके वो एग्रीकल्चर के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में प्रैक्टिस देते हैं। और दूसरा, राम भाई ने बताया था कि 2009 में जनकल्याण मंडल जब प्रोग्राम आया था तब कंपेन पे संतरामपुर और कडाणा दो तहसील में कंपेन चलाया था। उस कंपेन में सीआरपी लोग, गांव के लीडर लोग सब जुड़े हुए थे, और कडाणा तहसील में 750 केस 20 दिन में सबमिट किए थे, सब अप्रूव हो गए थे, वो बताया था। थैंक यू। उसको अनम्यूट करो, उसका साउंड अनम्यूट कर, अनम्यूट कर, ये बोल जाएगा, ये बोलेगी उसको सुनाएगा, चल थैंक यू सर हमारे साथ ये कहानी शेयर करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ बहुत सारे जगहों से लोग जुड़े हुए हैं और काफी लोगों को गुजराती और हिंदी में थोड़ा मे बी इश्यूज हो सकता है, तो मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट कर देती थी। तो ये जो कहानी है इसमें सर ने हमें पहले बताया कि कराना डैम के लाइक बिकॉज ऑफ लाइक डेवलपमेंट ऑफ द कराना डैम हाउ द रीजन इन कंसर्न हैड बीन सफरिंग इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेवरल अदर रीजंस reasons for which include aspects like water availability. So since 2009, habitation level VI has been a practice which has which sir had tried to initiate in his own village of Relwa. So in this VI's agriculture related discussions were also conducted and area specific issues were also discussed in these federations. And based on that, lists were created which consisted of all the issues that had been discussed in each such in such meetings, and all these issues were passed as resolution respective GPs. Even yearly two Gram Sambad meetings were organized in Santrampur and Relwa, and in these meetings also several such resolutions had taken place. So in this federation itself, the discussions regarding organic agriculture was also carried out, and also like discussions also happened on aspects like natural farming. So other than that, another important like issue would be that these federations also proved to be an important engagement grounds, because during these federation meetings, during the multi-actor action platform meetings that were organized through this federation,
What happened was several collectors and other MLAs also appeared in these meetings, and the villagers, without any kind of like discrimination among themselves and without any kind of possibility of data being falsified, information being misplaced, used to directly communicate with this with the collectors and the MLAs and the government like authorities, and convey whatever issues they had felt were like pertinent to the development of the village. Such issues involved things discussions on the hand pumps, reconstruction of the Anganwadi, restitution of the teachers in the villages in schools which had been lacking such facilities, among several others. Now, sir had like Damodar sir had become such an authority in this, such discussions and in this process, that he had come to the point where he had been visiting several other districts in Gujarat, and he has rightly said that several of the like as we had been communicating that several of the crops like the bajra, like millet, etc., which are being currently also promoted by the governments in various other states. He also was of the opinion that such traditional crops could be of various important health benefits to the people. And that was only because of the fact that these crops required much less usage of inorganic fertilizers. So he conducted trainings across districts on Bijam Road, on Divam Road, on various kinds of other like natural farming techniques. Other than that, in Karnataka, it's like 755 cases to this federation were approved and solved, through immediate submission. So now I would like to open the platform for kind of a discussion. Wanting to have so if anyone wants to add their questions, they may from the audience, they may raise their hands. और लाइक पोस्ट अ क्वेश्चन इन द क्यू एंड ए बॉक्स ऑफ द चैट बॉक्स. अगर ऑडियंस में से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो अपने मतलब वो जूम में जो लिंक एंड फंक्शन है उसको उसका संभाल कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन क्यू एंड ए बॉक्स में या चैट बॉक्स में आप लोग अपना सवाल डाल सकते हैं. सर जब तक ऑडियंस से क्वेश्चन नहीं आता है तो तब मैं मुझे गुजराती आप बोल रहे थे थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, बोल नहीं बिल्कुल नहीं पाऊंगी. तो सर मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि मुझे जितना तक पता है कि नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि एक दो साल जिस जमीन में बहुत सालों से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज किया जाता है तो उस जमीन में क्या होता है कि वो जो क्रॉप्स का जो यील्ड है नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट करने के बाद इमिडिएटली जो है थोड़ा कम हो जाता है. तो आप बोल रहे थे कि मार्केट फैसिलिटीज भी है जो फेडरेशन के थ्रू, वहां भी शायद बोल रहे थे कि रीच किया जा सकता है. तो ये जो आप जब सब लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि ताकि वो लोग ऑर्गेनिक में जीवामृत विदामृत ये सब यूज करना स्टार्ट करें, तो तब कुछ प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को कन्विंस कराने में? आपको कुछ प्रॉब्लम आपने फेस किया तो फेडरेशन के थ्रू आपने उसको कैसे सॉल्व किया है, अगर उसके बारे में थोड़ा बता. पहले क्या है जो उसमें कहा जाए प्रॉब्लम होता ही नहीं होता ही नहीं है. जो पांचे पांच व्यायाम पूरा खेत में लगा देता है तो पहले ही साल में जितना हो गया ब्रथन में आता है इतना आ जाता है, लेकिन थोड़ा सहन करना पड़ता है. क्योंकि अभी एक लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये 5 IM से खेती करना है तो कोई 5 IM से करता है, करता हुआ तो बीजामृत लगाते हैं जीवामृत करते हैं, अच्छा धन भी होता है. अब पहले रसायन किया उसमें अपना जो मित्र कीट किया अलेसिया उसको तो मार दिया है, कोई बैक्टीरिया जीवाणु अपने धरती में तो है ही नहीं. इसलिए क्या है कि जो अपना जो गाय आधार से खेती करता है उसमें क्या है कि 1 ग्राम ये गोबर आता है उसमें 300-400 प्रो बैक्टीरिया आता है तो उसमें से खातर बनता है. तो वो अपने 5 IM से करोगे तो अपना पूरा ही पूरा रिजल्ट पहले साल में ही मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता है वो पूरा 5 IM से खेती नहीं करता उसको नहीं मिलता. लेकिन धीरे 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 अभी हम सतत प्रयत्न करते हैं तो चालू हो गया है. अभी फर्टिलाइजर का जो जो उपयोग होता था इतना कम हो गया है, और समझ भी आ गया है कि अपने जो रोग कैसे होता है, रोग ये पेस्टिसाइड दवा खातर से ही होता है. पहले तो हमको बोलते थे, क्या बोलते थे, आप जाके क्या मोदी को बोल दो फैक्ट्री बंद करा दो. बोले फैक्ट्री तो हमारे से बंद होगी नहीं, तो जो फैक्ट्री बंद करना था अपने पक्ष से बंद करना होता, अपने गांव में दुकान लगी है एक वो लगा है अपने वहां से लेना बंद कर दो, खेती में डालना बंद कर दो तो अपने आप छोड़ के चले जाएंगे. सोच अभी
इंसान में आ गया है कि अभी क्या है, परिस्थिति क्या है और होने वाला क्या है, वो सब समझ रहे हैं। पहले तो हमको बहुत कठिनाई हुई। अच्छा तो सर जो गवर्नमेंट आप कुछ मैसेज में आपने जो अभी मुझे कहा, मैं सवाल और जवाब दोनों ही उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जरा बता देती थी फर्स्ट, पर उससे पहले और एक लाइक क्वेश्चन आया है आपके लिए। तो वो क्वेश्चन है कि सृजन दत्ता जी से क्वेश्चन है, तो वो पूछ रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग जो आप करते हैं उसका इनकम पे क्या असर होता है, फार्मर्स का इनकम में डबल होती, डबल इनकम हो जाता है, डबल होती। देखो तो सर उसको अगर थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दे कि कैसे इनकम, मतलब मार्केट रेट ज्यादा होता है उसका या फिर। पहले तो क्या है कि बाजार में 20 रुपये किलो मिलता है, तो हमारे यहाँ डबल करना है तो 40 रुपये है। हाँ सर, अब कोई 20 वाला खरीदेगा, 40 वाला तो खरीदेगा, तो पहले पकड़ना पड़ता है आपके जैसे लोगों, स्कूल के कॉलेज के कोई भी, और मामलतदार या कलेक्टर है उसको पकड़ना पड़ता है। बराबर है, बिलो हमारा ये पक्का है, ये सब्जी है वो खाओ, हम पहले फोकट में भी खिला देते। मार्केट बनाना है तो ऐसा भी करना पड़ता है। अब खाओगे तो विचार करेगा ये उसमें का अच्छा है, तो उसमें डबल बार ये बोलेगा 50 के तो 60 दे देगा। मेरा खुद अभी अब भिंडी और गवार सिंह बनाया था, अभी तो मामलतदार के जाती नहीं, जज को, जज वो बोलता था क्या है, क्यों रसायन वाला है उसको कीड़ी छूता नहीं। अब कीड़ी आती है नहीं, वो रसायन वाले को छूता नहीं, और जो ये प्राकृतिक बनाया है उसको कीड़ी जल्दी से आ जाती, वो भी हमने बताया। तो फायदा है, डबल भाव ऐसे ही मिलेगा। पहले बात तो वो 20 वाला ही खरीद, उसको एक वक्त सिखाना पड़ेगा। आपके ऑफिस में जितना है इतना बोल देगा कि भाई हमारा 8 वरिया में ये, हमारा आधा किलो, 2 किलो, 3 किलो आना पड़ेगा, तो मार्केट हो जाती है। दूसरा उस एरिया में सेटिंग से भी कौन कौन करता है वो सभी लोगों को पता है, संतरा अंगूर कटाना खाने, अच्छा तो इसीलिए लोगों को पता ही रहता है कि रामबाई है रेलवा गांव में ये नेचुरल फार्मिंग करते हैं, संतरापुर में कितने लोग करते हैं, कनाडा में कितने लोग करते हैं और कौन कौन करते हैं। ये पहले वो ग्राम सभा कार्यक्रम में लोग इकट्ठे होते हैं, फेडरेशन मीटिंग में इकट्ठे होते हैं, तो पता रहता है कि रामबाई रेलवा गांव में रामबाई ये सब करता है, गेहूँ नेचुरल मिलेगा, मक्का मिलेगा, आलू अदरक मिलेगा, तो वो पता रहता है, वैसे ही उसको भाव डबल मिलता है। दरेक हर खेड़ को पता नहीं होता है उनका नाम, तो हमको तो पता है, जो सूरत वाला बोलता है राम भाई मक्की जाइए बाजरा जाइए तो हम सेट कर देते, तो उसको भाव मिल जाता। हम अच्छा सूरत में ये भाई वाइट कंटाला आदि है मालूम है आपको, नहीं सर, क्या है वो सब्जी, कंटाला सब्जी सब्जी के लिए अच्छा मैं अगले साल सूरत में भेजा था। अच्छा दूसरा ये भी है कि आत्मा प्रोजेक्ट से रामबाई जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, अलग अलग कोई स्टेट में कहीं भी जगह पे जाते हैं, तो हर जगह पे पता है कि ये एग्रीकल्चर के लिए ट्रेनिंग देते हैं नेचुरल फार्मिंग की, तो ज्यादातर लोग पहचान दे इसीलिए मार्केटिंग रेट इसलिए ज्यादा है। जो आइटम अपने या गांव में कचरे में बनता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, पर पता होना चाहिए। तो कचरे में पकता है ये कंडला है ना, ये ऐसे ही पक जाता है, कई लोगों के घर है, वो भी हमने भिजवाया था। सर तो फेडरेशन के थ्रू, मतलब सर तो कनेक्टेड है आत्मा प्रोजेक्ट से, पर फेडरेशन के थ्रू मार्केटिंग के लिए कुछ किया गया था क्या, करते हैं मतलब फेडरेशन के जो मेंबर्स है जिसमें सर ये नेचुरल फार्मिंग का टेक्निक अपनाया हुआ है, उन्होंने कुछ किया है क्या मतलब मार्केटिंग के लिए अभी तक? ठीक है देखे अच्छा सर, मैं थोड़ा ही इंग्लिश बता देती हूँ। अच्छा सो करेंटली वी वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल एंड सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ इट, एक्चुअली देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन। सो द स्टोरी लाइज इन द फैक्ट दैट इन सेवरल ऑफ द केसेस इट इज अ वाइडली नोन मिथ, आई से एज आफ्टर डिस्कशन विद द सर इट इज आई अंडरस्टूड दैट इट्स अ कंप्लीट मिथ दैट द यील्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉप्स वंस यू शिफ्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस इनटू नेचुरल फार्मिंग डिक्रीजेस बाय क्वाइट अ बिट। So, sir had pointed out that there are five different practices of like using like averaging like
the package of there are five different fish in the package of practices for like going ahead with natural farming, and most of the people actually go ahead with the practices which include using of Jivamrut, Bijamrut. But he also mentioned something called Achadan, which most of the people don't actually practice. So this kind of like skipping over steps obviously causes an impact on the kind of yield, because the soil already lacks bacteria, of which are like all the healthy bacteria, owing to the continuous use of the inorganic pesticides and fertilizers over a longer period of time. So what's communicated is that if all the steps and involved in the package of practice are to be followed like with complete due diligence, then the process would be kind of beneficial to the yield also. So there was also another question which focused on the impact of the income of this kind of practices of natural farming on the incomes of the farmers. So in that regard, sir, say that sir had been connected to the Atma project for the long, and also has been conducting trainings across places in Gujarat because to that end. So he also knows in his particular village and all the federations under which he is involved, like in the federation platform with which he is involved, he knows with villages in which farmers actually are taking part in this whole natural farming practices. So whenever he finds his opportunities regarding the marketing and the demand for this kind of organically produced sustainable forms of sustainable crops, then he connects them up with these people and like encourages the marketing form. So, and also he also said that it is also important to have a kind of like educational setup to like increase the kind of market for this kind of produce. And to that end, he has also promoted at one point, also had like engaged, like not engaged, but encouraged free consumption of this kind of produces, which has been done through natural farming practices. And after that, within a particular class of the society, within a particular class of the society, which has been become aware of this kind of the benefits of this kind of crops, this consumption has peaked. So according to him, both the awareness related education is important, but also it is in like big considering the fact of where the future of the agriculture and the planet is headed, it's important to shift into natural farming practice. Currently, we'll move on into the third presentation from Andhra Pradesh. That will be. Namaste, madam. Namaste, madam. Na peru Radha. Mari konda baridi. मैम, दो मिनट प्लीज। नमस्ते। बहुत देर हो गया आपके साथ बात करते करते। हम आपकी कहानी के लिए बहुत देर से वी हैव बीन वेटिंग। तो मैम, अच्छा, हाँ, तो अभी जो हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं, द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू लिसन टू नाउ इज फाइनली द मच अवेटेड स्टोरी फ्रॉम राधिका, फ्रॉम अरिका राधम्मा, हु बिलोंग्स फ्रॉम कोंदाबरिदी आंध्र प्रदेश, एंड शी विल बी नरेटिंग टू अस द टेल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ऑफ द 14 ट्राइबल वुमेन फ्रॉम द एकलव्य ग्रुप. And the story will kind of have a, like the story will narrate the how the ZBNF paddy has been converted into high demand organic rice. And but also it is a story beyond that. It is a story of women transforming their lives for the better. तो अभी मैं समझने की सुविधा के लिए थोड़ा इसको हिंदी में बता देती हूँ. अरिका रधम्मा जी कोंदाबरिदी आंध्र प्रदेश से है. तो वो आज हमें बताने जा रही है एक उनकी मतलब उनकी रीजन में जो एक उद्यमी संस्था है एकलव्य ग्रुप बोल के, उसके थ्रू कैसे ZBNF पैडी को बहुत जो मार्केट में हाई डिमांड वाला ऑर्गेनिक चावल में मतलब कन्वर्ट किया जाता है. पर ये कहानी उससे कहीं ज्यादा है. ये कहानी उस गांव के 14 जो ट्राइबल वुमेन की है जिन्होंने अपना जो है कि लाइव्स को इस उद्यमी संस्था के साथ जुड़ के बना के उसके थ्रू अपने जिंदगी की मतलब जिंदगी में सशक्तिकरण लाया. तो प्लीज लाइक सॉरी फॉर माय हिंदी, इट गोज सॉरी समटाइम्स.
Please, now we would like to begin the presentation from ma'am, and I hope that the presenters are ready with the slides to be shared. Ma'am, you can begin the presentation, and we would be sharing the slide from our end. And please tell us when we need to shift slides. Thank you. Namaste, ma'am. నా పేరు ఆదిక రాధమ్మ, మాది కొండబారిడి. మాకు ప్రకృతి వ్యవసాయం వచ్చి మొత్తం రైతులందరము ప్రకృతి వ్యవసాయం పంటలు పండిస్తాము. అలాగే ప్రకృతిలో పండే పంటని మేము సంఘాల ద్వారానా కొనుగోలు చేసి ఆ ధాన్యాన్ని మేము దంపుడు బియ్యంగా తయారు చేసి మేము వాడుకుంటాము, బయటికి కూడా మార్కెట్ చేస్తుంటాము. అలాగే మేము మా విలేజ్ కూడా బయో విలేజ్, మేము నేషనల్ గా పండిస్తాము. మరి ఇంకా ఎటువంటి కెమికల్ లేకుండా మాకు దొరికే ప్రకృతి సారాన్ని ఉపయోగించుకొని ప్రకృతి పంటలు పండించుకుంటాము. అలాగే మేము మేమందరం కూడా రైతులందరము మేము 2017 నుండి ప్రకృతి వ్యవసాయం పాటిస్తున్నాము. అప్పటి నుండి కూరగాయలైనా ధాన్యం ఇలాంటి పంటలన్నీ మన జీవామృతం ద్రవ జీవామృతంతోనే పండిస్తుంటాము. ఆ విధంగా మేము ఉపయోగించుకుంటాము. అలాగే నమస్కారం మేడం గారు. మేము ప్రకృతి వ్యవసాయము 2012 నుండి చేస్తున్నాము. అలాగే మీరు యాసి దుక్కులో పిఎండిఎస్ వేసి అది దుక్కులో అది వచ్చే తర్వాత మంచి దిగుబడి వస్తుంది. అలాగే మళ్ళీ నారు వేసే టైంలో కూడా మేము పిఎండిఎస్ వేసి చక్కగా పండించుకుంటాము. అలాగే గంజీవం కూడా తయారు చేసుకుంటాము, మంచి దిగుబడి వస్తుంది. నారు పోసుకున్నప్పుడు నారులో బీజమృతం వేసి మేము నారు పోసుకుంటాము. మనం 15 రోజులకి ఆ నారు ఉడుచుకుంటాము. 15 రోజులకి మళ్ళీ ఉడుపు అయిపోయిన తర్వాత 15 రోజులకి మళ్ళీ ద్రవజీవము తయారు చేసి మేము 15 రోజులకి ఒకసారి వేస్తాము. వేసే తర్వాత మాకు కలుపు తీసుకుంటాము, ఫీడింగ్ చేస్తాము. చేసే తర్వాత మళ్ళీ 15 రోజులకి మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ద్రవ వేసుకుంటాము. మాకు అందులో ఆదాయము బాగా ఎకరాకి దిగుబడి బాగా 35 వస్తుంది మేడం. అలాగే ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి ఇంకా ఈ వ్యవసాయం చేసే దీని మీద మళ్ళీ నేను అన్నపూర్ణ మోడల్ కూడా వేసుకున్నాను మేడం. అందులో మాకు చాలా ఆదాయం వస్తుంది. అలాగే 18 రకాలు కూరగాయలు వేసుకుంటాను. అలాగే మామిడి టైంలో అయితే మామిడి పంట కూడా వస్తుంది. మాకు చాలా బాగుంది ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల. మేము ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము, మాకు ఎటువంటి జబ్బులు రావట్లేదు. అలాగే మాకు కరోనా కానీ రక్తహీనత ఇలాంటి వ్యాధి రావట్లేదు. చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము మేడం. మేము ఈ వ్యవసాయం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసిన నుండి మేము చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము. అంతవరకే మేడం, ధన్యవాదాలు. మేము ఈ దమ్ముడు బియ్యము చేసాము, చేసి మార్కెటింగ్ కూడా చేసుకుంటున్నామండి. ఎక్కడ మనకి
వైజాగ్ హైదరాబాద్ నుండి కూడా మనకి బియ్యాన్ని డిమాండ్ చేస్తుంటారు. మేము వాళ్ళని కొరియర్ ద్వారా కూడా పంపించాం మేడం. తర్వాత ఈ డంపుడు చేసి ఇవ్వడం వలన మాకు ఎంతో ఆదాయం కూడా వచ్చింది. అలాగే చాలా మంది కూడా తీసుకెళ్ళి బాగున్నాయి బియ్యము కొండబారెడ్డి దంపుడు బియ్యము అన్న ఆలోచన కూడా వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్ళి బాగున్నాయని మరీ మరీ కూడా అడుగుతుంటారండి. అలాగే మాకు వయసు కూడా కొద్దిగా ఇదవుతుంది కాబట్టి మేడం, మాకు మిల్లు అని ఇంకేమైనా అవకాశం చూపిస్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నామండి. రైతుల నుండి వచ్చిన ఆదాయాన్ని మేము కొనుగోలు చేసుకుంటున్నామండి. మా రైతులు పండించే పంటలనే మా క్లస్టర్లోన మా పక్క విలేజ్లోన అందరము ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నామండి. ఈ జట్టు స్ట్రట్ వాళ్ళు మాకు ఎప్పుడైతే వచ్చి ఇలా ప్రకృతి వ్యవసాయం పద్ధతిలో పండించుకుంటే బాగుంటుంది, ఆ పంటను మీరు తింటే ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారు, ఏ కెమికల్ లేని పంటలు పండిస్తే ఇక నుండైనా భూమిని సారవంతంగా చేసి మంచి పంటను దిగుబడి చేసి తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటాము అని చెప్పడం వలన ఆ పద్ధతిలో పాటిస్తూ మేము చేసుకుంటున్నామండి. కాయగూరలు అయితేనేమి, ఆకుకూరలు, పళ్ళు రసాలు, ఈ ధాన్యము, చిరుధాన్యాలు ఇలాంటివి కూడా అన్ని పండిస్తుంటాం మేడం. జీడికి కూడా మేము ఈ ఘన జీవామృతం, ద్రవ జీవామృతం వేసుకుంటాం. ఎటువంటి కెమికల్ ఉపయోగించట్లేదు. పంచగవ్య ఇలాంటివే ఉపయోగించుకుంటామండి. ఇంకైనా మాకు మీ నుండి ఇంకెటువంటి సహాయం చేసుకుని ఉపయోగించుకుంటామని కోరుకుంటున్నాం మేడం. ధన్యవాదాలండి. थैंक यू बता कहानी शेयर करने के लिए. मुझे समझने में थोड़ा ट्रांसलेशन की जरूरत होगा. तो मेरे साथ यहाँ जयश्री है, वो आपकी जो कहानी है सबकी सुविधा के लिए हिंदी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाली है. अच्छा नमस्कार अंडी, चला బాగుంది మీరు అలా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అది చేస్తున్నారు నాకు బాగా అర్థమైంది. సో నేను వీళ్ళకి ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను, మీరు ఏదైతే నాకు చెప్పారో నేను వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ లో అర్థమయ్యేలా చెప్తాను మీరు ఏం చెప్పారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఫాసినేటింగ్ స్టోరీ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో దీస్ ఉమెన్ దే కలెక్టివ్లీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సిన్స్ 2017. So they first started doing rice cultivation using the panchagavya and jeevamrut, which are produced using cow dung and cow litter. So from that they naturally prepare a compost and that they are using in the rice cultivation. So since they started using these products, they have told us the inspiring story behind why they are actually using organic farming. So they told that when they are using chemical fertilizers, they are even observing changes in their health and even the soil health. So later on, they realized in 2017 that we should start using organic farming. So they understood that it is better for both humans and even the mother earth. So since they started cultivating the organic one since 2000, they started doing rice and 18 types of vegetables through this organic farming. And she even, one of them even explained the process like how they are doing it. So on the first day, when they do the seedling, they are leaving the crop for 15 days. And after 15 days, they are starting spraying the organic fertilizers on the farm. So again, after 15 days, they are leaving the crops. And again, then they are second time spraying the organic fertilizers on the farm. So they are even saying that this is giving their better yield. So they even started exporting them to Hyderabad, Vizag and other states also. So they even observed that there is an upcoming demand for this organic rice, which they are doing. Also, they mentioned one thing for rice, there should be a layer which should be removed to consume it. So these people, they are not even doing it in the mills. They are doing it in the homes only directly.
సో దే దెమ్సెల్స్ ఆర్ రిమూవింగ్ ద లేయర్ దట్ ఈస్ ఇన్ తెలుగు దే కాల్ ఇట్ దంపుడు బియ్యం సో దాట్ ఫర్ ద డిమాండ్ ఫర్ దాట్ రైస్ హాస్ ఇంక్రీస్ గ్రాడ్యువలీ అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ద బెటర్ ఈల్డ్ అండ్ బెటర్ ఇన్కమ్స్ ఆల్సో త్రూ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ So they are even happy if someone can come and help them up and increase their yield, like help them how to do better organic farming. They are ready to hear from any of the audience or anyone who can help them better do this organic farming in the future. That's their story. Thank you. Achha. तो मैं जो जयेश ने जो कहानी अभी बताया जो मैम ने शेयर किया है उसको मैं हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट कर देती हूँ तो उन्होंने बताया कि कैसे कि कैसे अरिका रघम्मा जी ने उनके गांव के जो 14 मेंबर ट्राइबल वुमेन और भी है वो लोग सब मिलके कैसे उन्होंने रियलाइज किया है कि सॉयल है सब एक दूसरे से सब कैसे कनेक्टेड है और उन्होंने कैसे सीडिंग के लिए उन्होंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया किया है कि कैसे पहले बीज को बोया जाता है उसके बाद 15 दिन बाद उसके उसके ऊपर ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है जो जैविक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर है उसको उसके ऊपर दिया जाता है और उन्होंने ये भी कहा है कि चावल खाने के लिए उसके पहले उससे जो मिलिंग प्रोसेस में उसको ऑर्गेनिक वैल्यू जो राइस मार्केट में मिलता है वो पैडी से उस राइस में कन्वर्ट करने के लिए पहले उनको उसके जो छिलके हैं मोटे वाले उसको हटाना पड़ता है तो उन्होंने अपना कहानी हमारे सबके सामने रखा है और आई थिंक ये जो है मतलब शायद थोड़ा सबके साथ रेजोनेट और भी अच्छे से करेगा तो लिए रिलेटेड कुछ सवाल पूछना है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं Q&A बॉक्स में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन टू आस्क रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन दैट द स्टोरी दैट हैज बीन जस्ट शेयर्ड Please like share your concerns and questions in the Q&A box or the chat box, or please raise your hands. Or we can wait for the end of the session. But like if anyone has anything immediate, please share. Achha. So currently, I think everyone is thinking about this whole story that you have shared, ma'am. So probably the discussion would come up at the end of the session. Please wait till that point. We would also like to hear your opinion about other stories that has been shared in this platform. And also we would like to... Radhamagaru, meeru ante present inka discussion undi, meeru call nunchi disconnect avvaddu. కాల్ లోనే ఉండండి లాస్ట్ వరకు కూడా మనం మాట్లాడదాం దాని గురించి ఓకేనా మీకు వేరే ప్రెసెంటేషన్స్ మీరు చూసారు కదా సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా లేదా ఎవరికైనా మీరు చెప్పిన దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నా వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడుగుతారు సో లాస్ట్ వరకు మీరు కాల్ లోనే ఉండండి ఓకేనా సో నౌ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రెసెంటేషన్ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ కల్పన కోచ్లిజీ ఫ్రమ్ గోల్ఖెద ఫ్రమ్ which is from Kalpana Kochraji from Golkheda, Madhya Pradesh. She will come forward to narrate the story of 12 families and that have benefited from the development of community nutrition garden. The story is a bit different from others in actively recreating its own comments. Achha. To abhi jo kahane hamare sang share karne ke liye aa rahe hai, Kalpana Kochraji, Golkheda, Madhya Pradesh se, वो हमें बताने वाली है 12 ऐसे परिवारों की कथा जिन्होंने सिर्फ अभी तक हम लोग सुनते आए हैं कि कैसे जो सामुदायिक संसाधन है उसको सबने वापस से उसको उसका पुनरुद्धार किया उसको कैसे समाज में वापस लिया गया उसको कैसे वापस व्यवहार में लिया गया पर अभी हम लोग जो कहानी सुनने वाले हैं ये 12 परिवारों की है जिन्होंने एक साथ मिलके संगठित रूप से कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन जो है वो बनाने की सोच किया है मध्य से उन्होंने जो है उन्होंने जो सॉरी अगेन उन उसके थ्रू जो है उन्होंने न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है अपना वो उन्होंने थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया है तो जो इसके लिए अभी मैं चाहूंगी इनवाइट करने के लिए मैम अगर आप कहानी अपना शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं सभी को मेरा नमस्ते मेरा नाम कल्पना कोचले है मैं ग्राम गोलखेड़ा से हूँ
ब्लॉक पंधाना खंडवा जिला मध्य प्रदेश। और हम लोगों ने समूह में जुड़ के सामुदायिक पोषण वाटिका का निर्माण किया है। संकल्प स्वयं सहायता समूह आजीविका, और उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। ग्राम गोलखेड़ा सामुदायिक पोषण वाटिका की शुरुआत मैडम हम लोगों ने बैठक से की थी। जो नियमित बैठक होती है उस बैठक में हम लोगों का जाना होता था, और बैठक के माध्यम से हमें जो श्रीमती साधमा जी हैं और श्रीमान अर्जुन जी सावले जो हरसा ट्रस्ट की तरफ से काम कर रहे हैं, उन लोगों ने हमारे यहाँ भी समूह की बैठक में हमको आके समझाया गया था कि पोषण वाटिका, सामुदायिक पोषण वाटिका में दीदियों जुड़ के काम कर सकती हैं, और हम लोगों ने उस चीज को स्वीकृत किया। हमारे यहाँ ग्राम गोलखेड़ा में मैडम ने और सर ने पंचायत के थ्रू हमको ये शासकीय भूमि आवंटन करवाई थी, जहाँ पे करीबन 12 से 15 दीदियाँ सामुदायिक पोषण वाटिका में कार्यरत हैं। और हमारे यहाँ पंचायत के तरफ से जो जमीन हमको आवंटन की गई थी, वो जमीन पहले पहाड़ी इलाके पे थी, जहाँ पर खेती के लिए पूरी तरीके से वो बराबर नहीं थी। तो दीदियों ने मिलके उस जमीन को अपना श्रम दान करने के साथ उस जमीन को बराबर लेबलिंग करने की सोच के सामुदायिक पोषण वाटिका की शुरुआत की थी। फिर दीदियों ने अपनी मतलब श्रम उसमें किया और उसको बराबर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें कई प्रकार की झाड़ियाँ, कांटेदार पौधे होने की वजह से वो ठीक से बराबर नहीं हो पाई थी। फिर हम लोगों ने अपने पास से 200-200 रुपए एकत्रित करके जेसीबी मंगवा के करीबन 1 एकड़ खेत को लेबलिंग करवाई, और उसके बाद शुरू हुआ वहां पर पोषण से जुड़ा हुआ सामुदायिक पोषण वाटिका। और फिर हम लोगों ने वहाँ जनवरी फरवरी में सब्जियां लगाई, मेथी, पालक और लौकी, गिलकी, बेलदार जो सब्जियां होती है, ये चीजों की हम लोगों ने वहां पे शुरुआत की। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीने में हम लोगों ने वहां से सब्जियां भी खाई है, और वो पूरी तरीके से जैविक थी, क्योंकि हमको अर्जुन जी जैविक खाद, जैविक दवाई, इसके बारे में भी मीटिंग में, अलग अलग मीटिंगों में हमको प्रोसेसिंग उसकी बताई गई, और हम लोगों ने उन सब्जियों पर जैविक चीजों के उपयोग किया था। तो हम लोगों ने यहाँ से जैविक सब्जियाँ खाना शुरू किया, और दीदियाँ बहुत खुश है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से सामुदायिक पोषण वाटिका के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराई गई, और जैविक दवाइयों के बारे में भी बताया गया, जैसे कि 5 पत्ती का काढ़ा होता है, और मटका खाद होता है गोबर से बना हुआ, और बिस्तरा खाद होता है। और दीदियों ने ये चीजें सीखी भी है, पोषण वाटिका में भी इसका इस्तेमाल किया है, और अपने खेतों में भी इन चीजों का इस्तेमाल करने लगी है। बोलो कि मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, आप लोगों को हमारी सामुदायिक पोषण वाटिका दिखाना चाहती हूँ। अभी भी यहाँ पे कार्य शुरू है, इधर ये मेथी डली हुई है, और मूली लगी हुई है, मटर लगी हुई है, पालक डली हुई है, तुअर फल्ली डली हुई है, इधर गिलकी भी लगी हुई है, और फलदार पौधे भी लगाए गए हैं पोषण वाटिका में, जो ये इस साइड बैगन भी लगे हुए हैं, और मिर्ची लगी हुई है। ये सारी चीजें सामुदायिक पोषण वाटिका में लगाई गई है, और फलदार पौधों में भी यहाँ आम के पौधे लगे हुए हैं, जाम के पौधे लगे हुए हैं, नींबू के पौधे लगे हुए हैं, अपने सूरजना की फली के पौधे लगे हुए हैं, और उन चीजों को दीदियां बहुत अच्छे से देख रेख भी कर रही है, और जिसका हम लोगों को
मनरेगा की तरफ से मजदूरी भी मिलता है, तो हम लोग बहुत खुश है ऐसे काम को करके, जो पोषण वाटिका में हमें सब्जी के साथ साथ मजदूरी भी दी जाती है। और एक बहुत अच्छी बात है कि पोषण वाटिका में जो एक ही दीदी को ये चीज सब्जी उपलब्ध नहीं होती, बल्कि उसके पूरे परिवार को सब्जी उपलब्ध होती है, जो कि पूरी तरीके से जैविक होती है, और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पोषण के लिए ये सारी चीजें दीदियां बाजार से मतलब आसानी से कलेक्शन नहीं कर सकती, और सामुदायिक पोषण वाटिका से दीदियां आसानी से ये चीज प्राप्त कर सकती है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ भी हम समूह से जुड़े हैं, उसके बाद जो जुड़े हैं कि यहाँ पर ग्राम जलकुआ में दीदियों ने समूह से जुड़ने के बाद किसान दीदियों ने एक कंपनी बनाई है, कृषि नमामि आजीविका स्वयं सहायता, तो जो पूरी तरीके से दीदियां जो कार्य कर रही हैं उसके लिए एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, जो जैविक दवाइयों के साथ, जैविक खाद के साथ पूरी तरीके से मतलब जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, आयुर्वेदिक फसलें हैं उस पे काम कर रही है। जैसे कि एक फसल अभी दीदियों ने लगाई है, कुसुम की फसल, जो खाने के लिए उसका तेल बनता है वो सोयाबीन ऑयल से बहुत अच्छा गुणकारी है, और उसका जो फूल होता है कुसुम का, उसे भी हम चाय के रूप में, ग्रीन टी जैसे यूज कर सकते हैं। और जो दीदियां अगर सामुदायिक पोषण वाटिका में कुछ और चीजें करना चाहती है, जैसे मार्केटिंग की प्रॉब्लम आती हो, तो वो कंपनी से जुड़ के आसानी से अपने प्रोडक्ट बाहर भी बेच सकती है। सभी को कुछ धन्यवाद, नमस्ते, प्रश्न है तो पूछ। और कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। पहले ताकि जो लोग हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं उनके समझने की सुविधा के लिए मैं इंग्लिश में थोड़ा इसको बता देती हूँ, पर कहानी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, अगर आप करना चाहते हैं फिर ट्रांसलेट तो आप भी कर सकते हैं। प्लीज आप आर्य ही जी, कीजिए। आर्य जी आप ट्रांसलेट हाँ करिए, अगर कुछ छूट जाता है देन आई कैन एड ऑन। हाँ हाँ श्योर। अच्छा द स्टोरी इज बेसिकली अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन, एंड लाइक द मेंबर्स ऑफ द मैम लाइक कल्पना मैम हुआज जस्ट शेयर्ड हर एक्सपीरियंस थ्रू इट, शी सेड दैट देयर हैड बीन ग्रुप मीटिंग्स थ्रू विच दे हैड कनेक्टेड विद हर्षा ट्रस्ट, and like they had encouraged them through the knowledge and importance of organic fertilizers and organic crops equally into moving forward towards the possibility of creating a community nutrition garden in which they have been cultivating not only like crops but also like fruit trees also and a variety of them she has just mentioned. So in this whole process of creating a community nutrition garden, they have like received complete like support from the panchayat also and the government also. But initially, as she narrated, that the panchayat provided land had been on the hill tracks and needed to be leveled. However, it was although the women of the village who had been involved in this process had decided that they would carry out the leveling themselves through the traditional institutional process of Shramdan, wherein every one of them contributes their labor towards the process. The whole process, the leveling of the land was not successful, mainly because of the fact that there were several shrubs and thorny bushes on that in that area. So in that event, what happened is that most of the women, they contributed 200 rupees from like each of them contributed 200 rupees and like bought the JCB with which they leveled the land. And in this community nutrition garden, working in the community nutrition garden had not only been a source of income for the women involved because like they have been paid for the like daily wages through the MGNREDGS platform, but also like this like as Kalpana ji had mentioned that in the months of December, January, and February, they had consumed vegetables which had been grown in those lands only using organic fertilizers, which are like kind of which makes the food all the more nutritious. So the story tells us how it is the woman who is going out of the house, engaging and creating the community nutrition garden, which is also a way of empowering themselves. And also in that process, they're also ensuring the nutrition security of the entire family.
Also, Kalpana ji had mentioned about the, I think, Prashinamami Ajivika Swayam Sangheta, like, pardon me if I'm getting the name wrong, which is a marketing platform for this organic crops and fertilizers, and like has been connecting the women with different markets available outside so that they can also have a different source of income in case that they go ahead with this process. But I think one of the most interesting fact in this whole story had been how the use of organic fertilizers had been had a spillover effect from outside in, from the community nutrition garden into the farmlands of these women, where they have been a part of the decision making process and has engaged in like using these fertilizers towards producing organic crops. Ma'am, if I've missed out on something, please add to it. That was wonderfully translated, actually. Thank you, Aryaji. Apart from that, there are a few things which I would like to add on. She also mentioned about, when she mentioned about Krishi Namami Ajivika Swayam Sangheta, a farmer, producer company, which is acting as a marketing platform. She also spoke about medicinal and Ayurvedic plants growing, which can be used for medicinal purposes. Apart from that, this, I think we have more or less covered maximum of what she has presented, the essence of it. One more, I can see in the chat box there's a question. So, can we address it now or shall we wait for the end of the discussion? No, ma'am, you can surely address it now. Okay. Kalpana ji? Kalpana ji? Shadma ji? Yes, yes. Ek question, bahut achche se present kiya apne. Ek question, sawal aaya hai chat box mein. ये पूछ रहे हैं कि सामुदायिक पोषण वाटिका की शुरुआत करने में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्या दिक्कतें आई? आपने तो बोला है, जरा और अच्छे से बता सकते हैं दिक्कतों के बारे में, और दिक्कतों के अलावा आगे इसे बढ़ाने के लिए आपका क्या प्लान है, और आप इसे गांव में बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहते हैं? तो आंसर जी मैडम, जो सामुदायिक पोषण वाटिका की जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, उस समय में यहाँ पे जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़, 5-5 फीट गहरे गड्ढे थे इस जमीन में, और इस चीज को हमने बराबर लेबलिंग करने के लिए दीदिया पहले तो अपने अपने घर से श्रम करने के लिए गस्ती पावड़ा कुदाड़ी जो भी थी वो लेके आए। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि इसको खेत का आकार दे दे, लेकिन इसमें कांटेदार झाड़ियां वगैरह ये होने के कारण थोड़ा सा बराबर करने में नाकाम रहे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि जो जमीन बराबर लेबल करने के लिए दीदियों ने अपने पास से 200-200 रुपए इकट्ठा करके और जेसीपी मंगवाई थी, तो करीबन 3-4 घंटे में एक आधा एकड़ खेत की लेबलिंग हो पाई। और इसमें चुनौतियां तो मैडम हमारे लिए यही रही कि जिस प्रकार से जमीन यहाँ थी वो खेत करने लायक नहीं थी, और हम लोगों ने उसको खेत बनाया, पोषण वाटिका बनाई, और जिस प्रकार से आज हमारी पोषण वाटिका हरी भरी है उसको देख के और दीदियों का, ये देखिए आप देख सकते हैं, और दीदियों का उत्साह जुड़ा है इससे, और दीदियां बोलती है कि आप लोगों ने जैसे समूह में जुड़ के ये पोषण वाटिका तैयार की है, हम लोगों को भी समूह से जोड़े और इसी प्रकार शासकीय जमीन हमको मिले और मनरेगा से मजदूरी भी मिले। तो खाना भी, पोषण भी और मजदूरी भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है दीदियों के लिए। ये देखिए, ये मटका खाद भी यहाँ रेडी हो रहा है, झाड़ के नीचे रखा हुआ है, बनने के लिए रखा है प्रोसेसिंग में। थैंक यू कल्पना, आपने बहुत अच्छे से बताया। जो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगी, ये टोटली कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट है, और कन्वर्जेंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, और मनरेगा और पंचायत इसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी थी, तो यहाँ पंचायत को उसके लिए तैयार करना, ओवरऑल इस पर्टिकुलर विलेज में तो काफी सहयोग था पंचायत का, पर बहुत ओवरऑल जब हम इसकी लाइसनिंग कर रहे थे डिपार्टमेंट्स के साथ, तो एकदम न्यू कॉन्सेप्ट था, एक भी इस तरह का सामुदायिक पोषण वाटिका नहीं थी। तो समूह को जोड़ के काम करना, तो जो उनके पूर्वाग्रह थे समूह को लेकर कि दीदियां तो आपस में लड़ने लगती है, उसके बाद नहीं होगा, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस तरह के उनके सवाल होते थे। और फिर यहाँ जिस समय हमने इसको शुरू किया, तब यहाँ आचार संहिता और बहुत सारे राजनीतिक कारणों से जो फंड फ्लो था वो रुका हुआ था, उस समय नहीं हो रहा था, तो दीदियों ने अपने से कंट्रीब्यूट किया और उसको आगे बढ़ाया। और जब फर्स्ट था तो दीदियों को भी समझाना
आज तो इनकी पोषण वाटिका और इन जैसी बहुत सारी पोषण वाटिका हमारे पास है कि हम ले जाके विजुअलाइजेशन करा सकते हैं, एक एक्सपोजर विजिट करा सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई शुरुआत ही थी प्रोग्राम की, तो ऐसी कोई सीएनजी नहीं थी। मुझे याद है तब मैं कल्पना के पास आई थी, मैंने कहा देखो हमारी एक सीएनजी वहां पर शुरू हुई है, हम आपको वहां ले जाकर दिखाएंगे। जब हम इनको कन्वेंस कर रहे थे बार बार मीटिंग्स के थ्रू, तब कल्पना ने एक बात बोली थी कि हम दूसरे का देखने नहीं जाएंगे, हम ऐसा काम करेंगे कि लोग हमारा खुद देखने आएंगे। और रियली ये कई एक्सपोजर विजिट्स यहाँ पर हो चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के विजिट हो चुके हैं, तो ये वाली सीएनजी की शुरुआत जो है कॉन्फिडेंस एक संकल्प संकल्प और से हुई उससे हुई, एक कॉन्फिडेंस बना लोगों का और हमको दिखाने के लिए भी हुआ। तो इसमें मोटे मोटे चैलेंज एक तो लैंड लेवलिंग का आता है, दूसरा जो ये मनरेगा की योजना है इसकी अपनी एक लिमिटेशंस है, जैसे ये वाटर लैंड लेवलिंग के ही काम ज्यादा करते हैं, जो लिफ्ट एरिगेशन होता है उसकी लिफ्ट डिवाइसिंग लिफ्टिंग डिवाइस ये लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते, मटेरियल में उनकी लिमिटेशंस आती हैं, तो उसको किसी किसी तरह से कर पाना तो ये शुरुआत में काफी मुश्किल है। और उसके बाद इनका लगातार, खैर ये लोग तो बहुत ही मोटिवेटेड और हाईली मोटिवेटेड हैं, वो उनका लगातार गाइडेंस करना और सही पाथ पर चलाना, और अल्टीमेटली एम हमारा यही है कि इससे दीदियों को पोषण तो खैर मिलने ही लगा है, और करें तो इनकी इनकम भी बढ़े, ये जो जैविक चीजें हैं वो मार्केट उनका बने, उसमें जाएं और दीदियों को उनसे आमदनी भी हो। तो आई थोड़ा थिंक सा मैंने आंसर पानी किया। का, पानी का थोड़ा सा इशू है हाँ, बोलते हैं थोड़ा ना। पानी का इशू गर्मी के मौसम में हो गया था, लेकिन पंचायत के साथ लाइजनिंग करके, मतलब इनको गर्मी की फसल छोड़ना पड़ी थी, गर्मी में फसल नहीं लगा पाए थे, ये हमारा जिला ही सूखा है, तो पर अभी भविष्य में प्लानिंग है कि पानी के लिए कुछ व्यवस्था पंचायत के द्वारा और करवाई जाएगी। आई थिंक इनफ, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी विद अस, एन इंस्पिरेशनल स्टोरी इंडीड, एंड इंडीड अ स्टोरी जो कल्पना जी बता रही थी कि संकल्प की कहानी है। सो अभी क्योंकि सेशन में जो 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 कहानी शेयर होने वाले थे सभी हो गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप सब लोग जो पैनल मेंबर्स हैं, अगर आप सब लोग अपना वीडियो थोड़ा ऑन कर ले, ताकि हम लोग एक ऑनलाइन ही सामना सा, अभी तो मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से, वीडियो ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन में, तो अगर वीडियो के थ्रू हम सब लोग एक बार एक पिक्चर ले सके सबके एक साथ। साथ में हो जाते हैं अपन, वो सब ऑन करेंगे कैमरे अपने अपने, तो ये स्क्रीन पे सबका आएगा। स्टार्ट नहीं कर रहा है। राम कुमार यादव जी, अगर पॉसिबल हो तो अगर आप लोग वीडियो ऑन कर पाएंगे। नहीं हो पा रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मैम। कर दिए सर, इसलिए होगी। नहीं, मुझसे कोई नहीं है। बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है हम लोग उसी से अभी। अच्छा आ तो गया, हाँ पास में आ जाओ, पीछे आ जाओ, फोटो हो जाए, जितेंद्र तुम्हारा नहीं आ रहा, पीछे थोड़ा दीदी के। अच्छा तो मैं लास्ट, देखिए आप सब लोगों ने अपनी अपनी एक दूसरे की कहानी आप लोगों ने सुना बताया, तो मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक दूसरे को कुछ बताना चाहेंगे, एक दूसरे की कहानी आपने सबने सुना है, तो अगर एक दूसरे को आप कुछ बताना चाहेंगे जो आपने अभी इस प्लेटफॉर्म में शेयर शायद नहीं किया होगा, पर आपके जो रेगुलर लाइफ के जो अनुभव है, अगर ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे तो वो बहुत मतलब अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। और चैट बॉक्स में ना फीडबैक फॉर्म है, तो वो फीडबैक फॉर्म मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जो लोग इस सेशन को अटेंड किए हैं, अगर सब लोग उस फीडबैक फॉर्म को फिलअप कर दे, ताकि हम लोग सोच सके कि फ्यूचर में, जब भविष्य में हम लोग इस सेशन को वापस से अगर कंडक्ट करें अगले साल, तो इसमें क्या क्या बदलाव लाना चाहिए, हम लोग भी सीखेंगे, आपसे सीखेंगे, तो प्लीज वो फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। जी सो अगर आप लोगों को कुछ एक दूसरे को बताना है तो आप अभी बता सकते हैं। दीदी। नमस्कार।
या तो कुछ लोग क्या करते हैं अपना कर लेते हैं। कल्पना जी, शादमा जी, अगर आपको कुछ कहना है तो शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा आप म्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, अगर कुछ कहना है तो अनम्यूट कर दीजिए। स्वास्थ्य के बारे में ठीक है, ठीक है। अगर सबके सब बात रखना हो गया सबके सामने, तो इसी के साथ आप सब लोगों को शुक्रिया हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। तो इसी के साथ हम लोग सेशन को तो मैं मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मंजूबेन मनसुख भाई, मोरी जी की, अरिका राधामा जी की, सराफ की, दामोदर रामा भाई सराफ की, दासुंदी पुसम जी की, और कल्पना कोचले जी की हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उनके साथ जो फैसिलिटेटर्स जुड़े हुए हैं उन सबको भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हम सबको बहुत यहाँ लैंग्वेज इश्यूज हो रहा है, तो उनके ही रह वजह से हम लोग एक दूसरे की बात जो है थोड़ी समझ पाए हैं। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। तो देन वी कैन एंड द सेशन नाउ। थैंक यू, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। हाँ, प्लीज ऑल्सो ज्वाइन अस फॉर द नेक्स्ट सेशंस। आज के और टू सेशन, तीन सेशंस बाकी है तीन डिफरेंट चैनल्स में, एंड ऑल्सो वी वुड बी एक्सपेक्टिंग योर पार्टिसिपेशन अगर हम लोग ये फ्यूचर में करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।